गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष डोडी, केमिस्ट्री फैकल्टी सीएलसी। मैं दयाल चौधरी, टीम सीएलसी। एक बार फिर आपके सामने केमिकल बॉन्डिंग पार्ट फर्स्ट। वही अपने पास से 30 क्वेश्चन होंगे और उनमें वही कोशिश की है कि आपके ऑलमोस्ट थ्योरी को कंप्लीट कर लिया जाए। व्हिच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ केमिकल स्पीशीज कंटेन्स द आयन हैविंग सेम हाइब्रिडेशन ऑफ द सेंट्रल। इसमें अपने क्या करना है, निम्न रासायनिक स्पीशीज के युग्मों में से किन आयनों के केंद्रीय परमाणु की संकृत अवस्था समान है। अपने क्या ज्ञात करना है, संकृत अवस्था या फिर इंग्लिश में अपन बोले हाइब्रिडेशन किन में सेम है कैलकुलेट करना है। अपन फर्स्ट में देखते हैं, NO2 के लिए काउंट करूंगी, NO2 माइनस के लिए काउंट करेंगे कौन सा आएगा, sp2 आएगा, जबकि NH2 माइनस के लिए काउंट करेंगे कौन सा आएगा, sp3 आएगा। यहां पर अपन देखें इसमें कौन सा आया, sp2 आया, और यहां भी कौन सा है, sp2 है। तो सेम देखना है अपने को, यहां पर अपने को सेम मिल रहा तो आंसर आ जाएगा अपना सेकंड। आपको सर हाइब्रिडेशन काउंट करना बताएंगे, उसकी ट्रिक बताएंगे, बताइए सर। देखो अगर किसी भी चीज का आपको कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाए और उसका हाइब्रिडाइजेशन आपको मेजर करना है, आपको एक सिंपल सी ट्रिक देते हैं। हालांकि वो देखने में थोड़ी लेंथी लगेगी, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो वो बिल्कुल सिंपल हो जाएगी। खाली पेज ले लेते हैं सर अपने। बिल्कुल सर। तो देखो एक फॉर्मूला लिखता हूं आपके लिए, एन इज इक्वल टू वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए डिवाइड बाई एन। तो अपना यहां पे है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, वी है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। वैसे ही आपका एम हो जाएगा नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, लाइक हाइड्रोजन हो गया, एल्किल ग्रुप हो गया, हेलोजन ग्रुप हो गया। इसके अलावा अगर किसी के साथ OH लिंकेज है तो इसको आप एक मान सकते हैं मोनो। पॉलीवेलेंट नॉट काउंट, मतलब पॉलीवेलेंट काउंट नहीं करते। लाइक सेंट्रल एटम हो तब अलग बात है, अगर साइड एटम के तौर पर ऑक्सीजन है ना तो ये डबल बॉन्ड बनाता है हमेशा, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। वैसे ही आपका नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो इसको भी साइड एटम में अगर नाइट्रोजन है तो उसको काउंट नहीं करेंगे, और वैसे ही अपन सल्फर को काउंट नहीं करेंगे। इसके अलावा आपका सी है टोटल कैटायनिक चार्ज, मतलब जो भी मॉलिक्यूल दिया जाए ना उसके ऊपर कितना चार्ज दिया जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं। और ए हो गया आपका टोटल एनायनिक चार्ज, क्लियर। अब इसके बाद में आपको ये चीज सॉल्व करनी होती है। तो एन की वैल्यू जो कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है, आपको पता है हाइब्रिड ऑर्बिटल में जितने नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे ना उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल की नंबर 2 आ जाती है तो हाइब्रिडाइजेशन आपका s रहेगा, अगर इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी तो हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 रहेगा, sp2 4 आ गई तो sp3 रहेगा, 5 आ गई तो sp3d रहेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको एक अलग हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा, dsp2 dsp3। तो अपन जब कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे उस समय बात करेंगे, क्यों सर। बिल्कुल सर। n = 6 आ गया तो अपन हाइब्रिडाइजेशन लेंगे sp3d2, n की वैल्यू 7 आ गई तो अपन हाइब्रिडाइजेशन लेंगे sp3d3। यहां पे जब d की बात आए तो d में आपको ध्यान रखना है ये होना चाहिए dz स्क्वायर, या आपका आएगा dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर, या आपका आ जाएगा dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर और dxy, क्यों सर। बिल्कुल सर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इनको ये बताएं, इनको बोलते हैं बेटा स्टेरिक नंबर। बिल्कुल, आप इनको स्टेरिक नंबर भी बोल सकते हैं, सर ने बिल्कुल सही कहा, स्टेरिक नंबर बोले तो आप इसको बोल सकते हो सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, क्यों सर। बिल्कुल सर। तो आपको इनको स्टेरिक नंबर भी आप बोल सकते हो, और ऐसा क्वेश्चन आप फेस करोगे आगे तो सिग्मा बॉन्ड, और क्योंकि हमेशा ध्यान रखो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, एक एक्सेप्शन है बेंजाइन, वहां पे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता है, क्यों सर, उसके अलावा कोई एक्सेप्शन नहीं है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके अलावा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख सकता है और लोन पेयर रख सकता है, ये चीजें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है।
क्लियर, ये फॉर्मूला आप तैयार कर सकते हो, इसको लिख लो आप, रिटर्न में ले लो। क्यों सर? क्योंकि मैं आपको इसकी यहां पे हटाने वाला हूं, अपने पास जगह नहीं है। अब देखो अपना फंडा तो ये हो गया, एन प्लस वी, एन इज इक्वल टू वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए डिवाइड बाई टू। अगर एन की वैल्यू एक कंप्लीट डिजिट आती है, जैसे टू आ गया, थ्री आ गया, फोर आ गया, फाइव आ गया, तो आप सीधा सा मेजर कर लोगे। अब कई बार क्या होता है, जैसे एन की वैल्यू 2.5 आ गई, उस समय लफड़ा होता है कि सर टू रखे या थ्री रखे। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर साइड आइटम आपका ऑक्सीजन या साइड आइटम आपका फ्लोरीन है, तब तो आपको क्या करना है, जो भी एन की वैल्यू आई अगर फ्रैक्शनल में आए तो ही, तो आप एन में प्लस 0.5 कर दो। क्यों सर? और इसके अलावा अगर कोई अदर साइड आइटम होता है, वो चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे आपका नाइट्रोजन, कोई भी हो साइड आइटम ऑक्सीजन और फ्लोरीन के अलावा, तो आपको वहां पे क्या करना है, एन में से माइनस 0.5 करना है। सबसे पहले इन दोनों में कंफ्यूजन ना हो तो इसी का एक एग्जांपल यहां देख लेते हैं सर। क्यों? जैसे मैं यहां पे NO2 मेजर करने वाला हूं, तो NO2 में सेंट्रल आइटम नाइट्रोजन हो गया, तो आपको अगर नाइट्रोजन तो इंक्लूड ही नहीं करना है, लेकिन मैंने क्या कहा, जब वो साइड आइटम हो तब। तो क्यों सर? एन की वैल्यू, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के कितने हो गए, फाइव। साइड आइटम ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना होता है, डिवाइड बाई टू, तो कितना आ गया, 2.5 आ गया। अब आप यहां पे देखो साइड आइटम कौन है आपके पास, ऑक्सीजन है, और साइड आइटम ऑक्सीजन हो तो एन की वैल्यू में 0.5 जोड़ दो, तो ये एन की वैल्यू आई थी, इसमें 0.5 जोड़ दो, क्या आ गया, 3। और 3 का अपन ने देखा था हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, sp2। वैसे ये एक एग्जांपल और ले लो आप, CH3 फ्री रेडिकल ले लिया अपन ने, और CF3 फ्री रेडिकल। क्यों सर? बिल्कुल सर। और ये है आपका, इससे दोनों एग्जांपल एक साथ हो जाएंगे, तो n की वैल्यू वही 4+3 भाई, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लो और तीन साइड आइटम ले लो 2, तो कितना आ गया आपके पास, 3.5 आ गया। क्यों सर? लेकिन साइड आइटम यहां पे हाइड्रोजन है, और साइड आइटम हाइड्रोजन है, तो माइनस 0.5 आपका कितना आ गया, 3 आ गया, मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा SP2। वैसे ही CF3 आ गया, तो ये आ जाएगा n की वैल्यू 4+3 डिवाइड बाई 2, वही 3.5। लेकिन साइड आइटम आपका फ्लोरीन है, फ्लोरीन है तो प्लस 0.5, तो ये कितना आ गया, 4 आ जाएगा, और 4 का मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। अब समझ में आ गया होगा आपके पास कि इनका हाइब्रिडाइजेशन अलग क्यों है। क्यों सर? ट्रिक यहां पे सेट होती है, बाकी हर पे अप्लाई, बाकी क्वेश्चन पे तो नॉर्मल पे तो वहां पर टप कर ही रहे। क्यों सर? बिल्कुल सर। तो अपन सवाल की तरफ चलते हैं एक बार फिर से। तो जैसा कि सर ने आपको देखा होगा कि सर ने सीधा ही मेजर कर लिया था, क्योंकि सर के पास ट्रिक है। आ जाओ अपना क्या, एन की वैल्यू कितना हो गया, सेंट्रल एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया, ऑक्सीजन काउंट करते नहीं। मैंने क्या कहा था, टोटल एनायनिक चार्ज ए वो ऐड होता है, कितना एनायनिक चार्ज, 1 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया, 3, और 3 का मतलब है sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहां। वैसे NH2 माइनस की बात करें तो n इज इक्वल टू 5+2+1 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया, 4, 4 का मतलब आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। वैसे सर ने कहा था इन दोनों में सेम है, तो ये तो अपन ने मेजर कर ही लिया ना, तो ये तो sp2 हो ही गया। इसका और कर लो, तो n की वैल्यू 5, साइड आइटम ऑक्सीजन को तो काउंट करते ही नहीं है, 2, तो आ गया 3, आपका हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp2। वैसे आप इन सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? बिल्कुल सिंपल सी ये चीज है, जिसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों सर? सीधे आंसर मिल रहे हैं इसके पास। अब रही बात कि आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे पता करें, तो अगर सेंट्रल एटम 13 ग्रुप का है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होंगे, 14 ग्रुप का है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, 15 ग्रुप से है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएंगे। वैसे 16 के 6, 17 के 7 और 18 के 8, एक एक्सेप्शन छोड़ दो हीलियम। क्यों सर? बिल्कुल, हीलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, हीलियम कंपाउंड ही अपने को नहीं बनाएगा, तो इसलिए अपन हाइब्रिडाइजेशन की बातें ही नहीं करेंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें तो सर ने बता ही दिया था जैसा कि आंसर सेकंड हो। वैसे सर आप बहुत सी सिंपल ट्रिक रखते हो, मेरे को लगता है इसकी ट्रिक भी आपके पास कुछ होनी चाहिए। आप बच्चों को और बता देते हैं। बिल्कुल सर, नेक्स्ट स्टेज कर दीजिए सर। इसमें देखो बेटा, सीधा अगर करना हो, कॉपी में पेन नहीं चलाना हो, तो ये सर ने बताए ग्रुप नंबर, तो उनको ध्यान में रख ले। 13 ग्रुप के आउटर मोस्ट में कितने होंगे, 3, 14 के 4, 15 के 5, 16 के 6, 17 के 7 और 18 के 8 होंगे। सर ने बताया हीलियम, हीलियम कंपाउंड ही नहीं बनाता, उसके लिए बात करते हैं। अब आपने क्या करना है, सीधा सीधा अगर लेटरल एटम कोई 17 ग्रुप का है,
तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देना है एक एलिमेंट के लिए। 16 का है तो दो इलेक्ट्रॉन माइनस कर देने, 15 का है तो तीन इलेक्ट्रॉन माइनस कर देने। इससे आपको इस ट्रिक से आपको ये क्या फायदा होगा, इससे आपको लोन पेयर नंबर ऑफ लोन पेयर भी पता लग जाएगा, जिससे आप स्ट्रक्चर बहुत जल्दी बता सकते हो। जैसे मैंने लिया NCl3 लिया, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 5, क्लोरीन कौन से का 17 का, एक क्लोरीन एक लेके जाएगा, तीन क्लोरीन तीन, पीछे कितने बचे दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर हो गया, जो इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं अपने पास उनको लोन पेयर में चेंज कर लेना, एक लोन पेयर हो गया। यहां से ये जितने नंबर दिए होंगे उतने अपने पास सिग्मा होंगे, कितने हैं तीन, तो मतलब तीन सिग्मा, तो स्टीरिक नंबर कितना आ गया 4 का, मतलब क्या हो गया sp3। अगर ये तो न्यूट्रल, जैसे ही अपने जीनोन F2 के लिए बात की, जीनोन F2 के लिए कॉपी में पेन इन चलाना है, इसका मतलब क्या हुआ 8 - 2 कितने बचे बेटा 6 इलेक्ट्रॉन का, मतलब क्या हो गया तीन लोन पेयर, तीन लोन पेयर प्लस यहां से देखना 2 सिग्मा, स्टेरिक नंबर कितना आ गया आपका 5, 5 का मतलब क्या होता है बेटा sp3d हो गया। टोटल इलेक्ट्रॉन है उनमें यहाँ पे जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए उनमें 2 का डिवाइड कर दो लोन पेयर आ जाएंगे, क्यों दो इलेक्ट्रॉन से एक लोन पेयर। अगर ऐसे ही बात करें अपन, कुछ आपको ऐसे लगे कि अपन दूसरा करते हैं जैसे SO3-2, अगर किसी के ऊपर माइनस चार्ज आ रहा है तो सेंट्रल एटम को उतने इलेक्ट्रॉन दे दो, पॉजिटिव आ रहा है तो उतने माइनस कर दो, या माइनस है 6 होते हैं इसके पास 6 × 2 = 8 माइनस। ये ध्यान रखना एक ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन देने, ऑक्सीजन है कितने 3, तो एक ऑक्सीजन दो लेके जाएगा, तीन ऑक्सीजन से 6, कितने बचे 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 का 2 डिवाइड एक लोन पेयर प्लस यहां से सिग्मा देख लो बेटा 3 सिग्मा होंगे, तो इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन आएगा sp3 हाइब्रिडेशन आएगा। जैसे अपन करें ICl2 प्लस किया मैंने, तो आयोडीन के पास कितने होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पॉजिटिव है तो एक गया, तो 6 - 1 क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, 2 क्लोरीन 2 कितने हुए 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या हो गया 2 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा, तो इसका मतलब इसमें फिर हाइब्रिडेशन आ गया sp3। ऐसा कोई भी आई आप कर सकते हो इजी वे से, कॉपी में पेन चलाने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी, बस आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन होनी चाहिए 2 + 2 कितने होते हैं 3 + 2 कितने होते हैं, ये आना बिल्कुल प्रैक्टिस से आप इसकी करो ज्यादा से। इससे आपको क्या पता लग जाएगा लोन पेयर नंबर ऑफ लोन पेयर पता लग जाएगा, तो अपन नंबर ऑफ लोन पेयर पता लगते ही शेप वगैरह आसानी से बता सकते हैं। जैसे अब इसमें 2 लोन पेयर 2 सिग्मा मतलब कौन सी आ जाएगी वी शेप, और इसमें क्या दे रखा है 3 सिग्मा 1 लोन पेयर मतलब क्या आ गया पिरामिडल, ठीक है, ऐसे अपन शेप भी फटाफट से बता सकते हैं। और बेटा ये याद रखना हाइब्रिडेशन या फिर शेप पर नीट में क्वेश्चन ज्यादातर 99% तक आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर। बिल्कुल सर, विच ऑफ दीज आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज, वापस वही आइसोस्ट्रक्चर सीरीज सम संरचनात्मक प्रजाति है कि जिसकी स्ट्रक्चर सेम हो, तो ये किससे आएगा सर हाइब्रिडेशन से काउंट करके आएगा, पहले हाइब्रिडेशन काउंट करो, आपकी ट्रिक से काउंट कर दीजिए। तो देखो अपने इसका हाइब्रिडाइजेशन मेजर करते हैं वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 2 हो गए, 2 साइड एटम हो गए डिवाइड बाय 2, तो अपना क्या आ गया 2 का मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। अब नंबर ऑफ लोन पेयर कैसे काउंट करें, तो n इज टू क्या होता है सिग्मा प्लस लोन पेयर, तो n की वैल्यू तो है ही अपने पास, तो लोन पेयर क्या हो जाएगा n - सिग्मा, तो n की वैल्यू कितनी है अपनी 2। अब साइड एटम जितने हैं ना उतने सिग्मा है, जितने साइड एटम है काउंट कर लो उतने सिग्मा है, तो 2 तो यहाँ पे लोन पेयर आ गया 0, तो ये कैसा हो गया लीनियर हो गया सर। बिल्कुल सर, वैसे ही इसका मेजर करें तो n इज गस टू 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के 4 हो गए, साइड एटम ऑक्सीजन काउंट होगा नहीं 2, तो कितना आ गया 2 हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ गया, और वही चीज हाँ sp। अब वैसे ही चीज वही चीज अपना लोन पेयर क्या हो जाएगा n - सिग्मा, तो n की वैल्यू 2 है, साइड एटम कितने 2 है मतलब 2 सिग्मा, तो 2 - 2 कितना आ गया 0, तो यहाँ पे भी लोन पेयर 0 है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो ये भी लीनियर हो गया, तो ये बिल्कुल आइसोस्ट्रक्चरल यहाँ पे हो जाएंगे। अगेन ऑल दिस क्वेश्चन है तो आप ये देख लीजिए, इसके पास आ जाओ 14 ग्रुप का है, तो वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, 4 और 2 6 हो गए, 6 में अपन कितने का डिवाइड करें 2 का डिवाइड कर दे, तो कितना आ गया 3 हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया sp2, तो वही लोन पेयर आपके कितने आ जाएंगे n - सिग्मा, तो n की वैल्यू कितनी है 3, साइड एटम कितने 2, एक लोन पेयर आ गया, तो एक लोन पेयर आते ही ये कैसा हो गया वी शेप हो गया। अब वेस्पर थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी, थोड़ी ज्यादा डिस्कशन यहाँ पॉसिबल नहीं है इन चीजों का शेप को लेके इसका, तो अब यहाँ पे सेंट्रल एटम देखो, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन बन चुका है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखे जाएंगे क्यों सर,
तो N इज इक्वल टू 16 ग्रुप का है तो 6 ही हो गए, साइड एटम ऑक्सीजन है कितनी है 2, मोनोवेलेंट है तो काउंट होगी क्या आ गया 4, वही 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3। लोन पेयर काउंट करेंगे तो n माइनस है, सिग्मा n की वैल्यू 4 है, अब साइड एटम कितने 2, तो 2 लोन पेयर आ गए, 2 लोन पेयर आने का मतलब है वी शेप, क्यों सर, तो ये भी आपका क्या हो गया वी शेप, उनका डायरेक्ट लिख दीजिए, तो ये भी वी शेप हो गई। अब ऐसे आप सबका मेजर कर लेना, इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d, सॉल्व कर लेना, और लोन पेयर इसमें आ जाएंगे 3, लीनियर शेप आ जाएगी, तो लीनियर आ जाएगा। वैसे ही इसका अगर मेजर करें तो 7 और 1, 7 to 9 और 1, 10, तो sp3d आ जाएगा, क्यों सर, बिल्कुल सर, वही 3 लोन पेयर, 2 सिग्मा एन वही आपकी लीनियर शेप आ जाएगी, इसका मतलब यहां पर फॉल ऑफ दीज फॉर जाएगा, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, लोन पेयर काउंट हो रहा है, इजी गोइंग स्ट्रक्चर बन रही है, कुछ लफड़ा नहीं है, क्यों सर, ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन चले, बिल्कुल देखिए, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्मड बिटवीन, बट इज हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसके लिए आप समझे हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ मेनली किस पे डिपेंड करती है, डेल्टा ईएन पे डिपेंड करती है, डेल्टा ईएन पे कैसे डिपेंड करेगी, डेल्टा ईएन जितना ज्यादा होगा उनके ऊपर चार्ज उतना ही ज्यादा डेवलप होगा आयंस एलिमेंट्स में, चार्ज जितना ज्यादा डेवलप होगा अट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा लगेगा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी, एनर्जी जितनी ज्यादा रिलीज होगी बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप देखें डेल्टा ईएन के मैक्सिमम कहां बन रहा है, तो अपन यहां देखते हैं, यहां पर HF और HF के बीच में इस पर पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, यहां देखें 2.1 है, इसका 4 है, 1.9 है, यहां अपन देखें यहां HO ले रहा हूं मैं, यहां HO ले रहा हूं, तो यहां पर कितना होता है 3.5, यहां कितना है 2.1, यहां कितना आ गया बेटा 1.4 आ गया डिफरेंस, कितना आ गया 1.5, जबकि यहां बात करते हैं अपन तो यहां कितना होता है 3, 2.1, कितना डिफरेंस आया 0.9 डिफरेंस आ गया। तो यहां देखो बेटा एक नई चीज मिल रही है, वैसे तो इसके इन तीनों में से अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कौन होगा, ये होगा, इन तीनों में बात कर रहा हूं, किनमें, इसमें, इसमें और इसमें बात कर रहा हूं, अभी फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन थोड़ा अलग हटके है, उसके लिए बात करते हैं, ये KHF है, KF है, इस पर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, यहां HF है, तो बेटा ये फ्लोराइड आयन है, ये क्या करेगा, पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, कोई भी आयन है पहले क्या चाहता है कि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने ताकि स्टेबिलिटी ज्यादा आए, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए इस H के पास आएगा, पर H के पास क्या नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ये F किसके, इसके पास आया, तो यहां भी क्या नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो लास्ट में थका के ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा बेटा जी, ये यहां पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, ये अट्रैक्शन फोर्स कौन सा, वैसे तो आयन डायपोल अट्रैक्शन फोर्स है, आयन डायपोल अट्रैक्शन फोर्स है, इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी आएगी वो हाइड्रोजन बॉन्ड लेवल की आएगी, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिल्कुल सर, इसके क्या देते हैं, कैलोरी से आपके ऊपर चली जाती है, तो अपन बात करेंगे इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, HF2 माइनस लिख सकता हूं, पास में कौन पड़ा रहेगा K+, ये एक स्पीसीज बन जाएगी, आपको इसके लिए क्वेश्चन और पूछता है KHF2 में कौन से बॉन्ड है, तो देखिए बेटा ये कौन सा बॉन्ड आ गया, कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड आ गया, ये कौन सा आ गया, हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, और आयनों के बीच में बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, ये केटायन है, ये एनायन है, यहां कौन सा आएगा, आयनिक बॉन्ड आएगा, कौन सा आएगा, आयनिक बॉन्ड आएगा, तो अपन ये कह सकते हैं कि इसमें तीन टाइप के बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड, ठीक है, तो अपना आंसर आ जाएगा कौन सा, फोर्थ, क्योंकि ये कौन सा अट्रैक्शन फोर्स है, आयन लेकिन इसकी एनर्जी चली गई आपने वन डॉल फोर्स से ज्यादा, इस वजह से इसको मान लिया आपने, और स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब इनमें इनमें चारों में से स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी होगी, यही होगी, वैसे ध्यान में रखना चाहिए तो वही अपना फोन, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बनाता है, ये थोड़ा वीक बनाता है, ये वीक बनाता है, क्यों सर, बिल्कुल, यहाँ एक बात और कर लें, छोटी सी मेरे दिमाग में बात हो रही है, जैसे एक बात करता है आपसे KI NI, ये भी एक बार पूछा गया था क्वेश्चन, इसमें कौन सा लेविस बेस है, कौन सा लेविस एसिड है, देखो ये बेटा आयनिक बॉन्ड है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज, हो गया, अब ये आयोडाइड आयन है, ये इसके पास आएगा, इसके पास क्या पड़े, वैकेंट ऑर्बिटल पड़े, डी ऑर्बिटल वैकेंट पड़े, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इनको इकट्ठा करके लिखेंगे तो क्या बन गया, I3 माइनस बन गया, और पास में कौन आएगा, K+ आएगा, कौन आएगा, K+ आएगा, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल पड़े हैं, इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, लेविस एसिड की तरह, क्योंकि लोन पेयर एक्सेप्ट करे, ये लोन पेयर दे रहा है, लेविस बेस की तरह बिहेव करेगा, तो ये पूछा गया था कि I3- में कौन सा लेविस एसिड है, कौन सा लेविस
बेस है। अब इसमें आपसे पूछे कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये कौन सा बॉन्ड है सर, कोवेलेंट हो गया सर, एक कोऑर्डिनेट हो गया, ये कौन सा हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और एक आयनिक बॉन्ड हो गया, और ये इनके बीच में कौन सा हो गया आयनिक बॉन्ड। ऐसे ही पूछा गया था कि के उसमें पूछा था CZMBr3 सेम ऐसी चीज है वो भी, उसमें पूछे आपसे कि इसमें कौन से आयन प्रेजेंट है, आयन के बाद बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब वो क्या पूछना चाहता है, आयनिक बॉन्ड पूछना चाहता है किनके बीच में। आप गड़बड़ क्या करते हो कि इसमें K+ I- और I2 आयन है, ये गलत है, आंसर क्या आएगा K+ और I3-। जब भी ऐसे पूछे कौन से आयन प्रेजेंट है, एक सर जे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिल्कुल सर, और इसको पूछेगा कौन से आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, थेलियम प्लस और I3- था एक ऑप्शन, एक था सर अपना थेलियम प्लस 3 और I- था, एक था अपना थेलियम प्लस 3, थेलियम प्लस है I2 और I- था, वैसे ही नन ऑफ दीज था, तो भाई इसमें दे रखा था कि आयनिक बॉन्ड यहां पे नहीं है। तो जैसे कि सर ने बताया I3-1 यूनिट एग्जिस्ट करता है और आईपी की वजह से यह हमेशा +1 स्टेबल है, ऑक्सीडेशन स्टेज देता है, तो अपना आंसर ये चला जाएगा। इससे सर एक चीज और समझ में आ गई मेरी आपकी, इसका मतलब F3- पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके पास तो वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, तो ये कोऑर्डिनेट नहीं बनाएगा, बाकी आगे वाले X3- पॉसिबल है, क्लोरीन का ब्रोमीन का हाइड्रोजन का। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, यस सर ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं। और आपके सर इससे मेरे एक चीज और समझ में आई, क्वेश्चन पूछा हुआ है IPMT में, एसिड दे रखे थे HF, HCl, HBr और HA, पूछा होता है कि कौन सा है दो प्रकार के सोल्ट बनाता है, क्यों सर यहाँ पे ये दो प्रकार के सोल्ट बना देगा फिर, तो क्योंकि एक तो F- आयन हो गया और एक H बॉन्ड की वजह से HF2- आयन हो गया, तो KF सोल्ट बन गया और KHF2 सोल्ट बन गया, क्यों सर, बिल्कुल सर राइट, बिल्कुल आगे चले सर, बिल्कुल सर। Which among the following is least electron conductivity in aqueous solution? ये सर आपका फेवरेट कौन सा जलीय विलयन में निम्न विद्युत चालकता प्रदर्शित करता है? बेटा देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, मैं पहले भी आपको पीरियड टेबल में कुछ बातें बता चुका हूँ इसकी, यहाँ क्लोराइड तो सेम है, पीछे कौन बच गया अपने पास, केटाइन अलग अलग बच गया, केटाइन कौन सा रह गया बेटा, लिथियम प्लस एक्वस है, सोडियम प्लस एक्वस मतलब वॉटर में कैसे रहेगा ऐसे, पोटेशियम प्लस एक्वस, सीजियम प्लस एक्वस। अब पहले इनकी साइज, जो बेटा कंडक्टिविटी मोबिलिटी होती है वो साइज के इनवर्स होती है, मोबिलिटी होती है वो साइज के इनवर्स, देखो कोई मोटा हो गया चलने फिरने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी, चलने फिरने में दिक्कत आएगी, मोबिलिटी नहीं रही तो कंडक्टिविटी भी उसकी क्या हो गई, लो हो गई। वैसे अगर इनमें वाटर में इनकी साइज देखी जाए, अगर पहले गैसेस स्टेज में देखेंगे तो ये स्मॉल होता है गैसेस स्टेज में और ये लार्ज होता है, पर जैसे ही वाटर में डालते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने के कारण ये कैसा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, स्मॉल। इसके लिए मैं एक बात बोलता हूँ, पानी में छोटा मोटा और मोटा छोटा जाता है, ये पहले छोटा था और पानी में डालते कैसा हो गया, मोटा हो गया, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, बड़ी साइज हो गई तो कंडक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई, स्मॉल साइज हो गई वाटर में तो कंडक्टिविटी ज्यादा हो गया। किसने पूछा है, लोएस्ट, लोएस्ट किसकी आ जाएगी, लिथियम की आ जाएगी, लिथियम क्लोराइड की आ जाएगी। जैसे कि सर ने बताया कि ये बड़ा मोटा हो गया और सर ने कहा कि हाइड्रेशन एनर्जी का रोल है, तो देख लो अगर चार्ज सेम हो तो जिसकी साइज स्मॉल होती है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, तो इसके चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा अटैच होंगे, और ऐसे ध्यान रखो स्मॉलेस्ट आयन बिकम लार्जेस्ट इन एक्वस मीडियम। ओके क्यों सर, बिल्कुल सर, नेक्स्ट चले। Which one of the following statement is correct? ये फिर बात कर रहा हूँ मैं, ये क्या पूछ रहा है, करेक्ट के बारे में बात कर रहा है, सही के लिए बात कर रहा है। The hybridization of chlorine in ClF3 is sp2. सर वाले ट्रिक अपनाए या मेरे वाले अपनाए, ClF3 है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, एक क्लोरीन एक लेके जाएगा, कितने हो गए -3, कितने बजे 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 लोन पेयर प्लस 3 सिग्मा, आंसर आ गया sp3d आ गया, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया अपना, पूछा गया इसने करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, द नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इन I3- आर 2 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। I3- देखो अपना तरीका अपनाओगे तो I3- है सीधा डायरेक्ट, वैसे तो अपन ने अभी स्ट्रक्चर बनाई थी इसकी, क्या ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो बनाई थी अभी अभी अपने बात की थी I एंड I, तो इसमें किसने द नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इन I3- टोटल पूछ रहा है, ये कैसे पूछ रहा है, नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर I3-2 2 2 2 के हिसाब से तो ये सेंटर के पूछ रहा है सर, तो सेंटर के लिए बात करें अपन,
सेंटर में भी टू नहीं आएंगे सर। जैसे आयोडीन के पास टोटल कितने होते हैं? सेवन होते हैं। इसने अपना एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ लगाया है। बिल्कुल सर। इस बॉन्ड में तो किसके इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं? पूरे के पूरे आई माइनस के लगे हुए हैं। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? छह बच गए। छह का मतलब तीन लोन पेयर हो गए अपने पास। ये अपनी ट्रिक अपनाओ, आंसर फटाक से पाओ। कैसे? इसका एक नॉर्मल डायग्राम बना लो। जो बना दिया मैंने डायग्राम, जितने माइनस हो चाहे प्लस हो, बीच वाले का दे दो। ये मैंने बीच वाले को माइनस दे दिया। ये कौन सा ट्रिकी मेथड है? ओरिजिनल डायग्राम तो बेटा ये है, ओरिजिनल डायग्राम तो ये सिर्फ ट्रिकी मेथड है। कोई भी स्ट्रक्चर है फटाक से बनाने का तरीका ये। सात और एक कितने हो गए? आठ हो गए। एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन गया, कितने बच गए? छह। छह का मतलब तीन लोन पेयर हो गया। मतलब इसके पास कितने लोन पेयर हैं? तीन लोन पेयर है प्लस दो सिग्मा। या आप इसके ऊपर अपने वाले ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हो जो आपको इजी लगे। आई थ्री माइनस है तो एक आयोडीन तो इनमें सेंट्रल है ही है, और सेंटर वाले को अपने को क्या लेने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दो अपने आप ही साइड एटम हो गई। टू माइनस है जोड़ दो, डिवाइड बाय कितना आ गया? फाइव। फाइव का मतलब हाइब्रिडाइजेशन आपका है sp3d। अब लोन पेयर के लिए मैंने क्या बताया था? एन माइनस सिग्मा। एन कितना है? फाइव। सिग्मा कितने हो गए? तो एक सेंट्रल है तो बाकी बच गए वो तो साइड है, तो 5 माइनस 2 कितना आ गया? 3। 3 आपके पास लोन पेयर आ जाएंगे। तो ये तो यहीं पे सर रॉन्ग हो गया, क्योंकि दो दे दिए। हाँ, बॉन्ड पेयर जरूर इसमें दो है, लेकिन लोन पेयर यहाँ पे। एक बार बेटा ये याद रखना, एक बार पूछा गया है शायद 16 में पूछा गया आईटी में कि I3 माइनस में टोटल इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान रखना वो टोटल पूछ रहा है या सेंट्रल एटम के लिए बात कर रहा है। उसमें अपन ज्यादातर क्वेश्चन क्या करते हैं? सेंट्रल एटम के लिए बात करते हैं, जबकि उसमें क्या पूछा गया सर? I3 माइनस में टोटल इलेक्ट्रॉन बताओ, पूरे मॉलिक्यूल की। बिल्कुल, पूरे मॉलिक्यूल में बात करनी थी, तो सेंट्रल एटम के साथ साथ इनकी भी बात करनी थी। इसके पास तीन है, इसके पास है, तो अपने को देखना है टोटल कितने हो गए? नाइन लोन पेयर हो जाएंगे। टोटल की बात करें तो नाइन आंसर आ जाएगा। बच्चे बहुत ज्यादा गलत करके आए थे, वो सेंट्रल एटम के पास बता के आए थे, जबकि ये क्वेश्चन पढ़ा करो पूरा। क्वेश्चन टोटल पूछ रहा है या फिर सेंट्रल के लिए बात कर रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो गया सर। ये भी थर्ड ऑप्शन देखिए, जीनोन F6 की आकृति विकृत वर्ग समतलीय द्विपिरामिड है। जीनोन शेप ऑफ जीनोन F6 इज डिस्ट्रॉयड स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल। इसके लिए स्पेशल ध्यान रखें बेटा, डिस्ट्रॉयड स्ट्रक्चर होती है इसकी, इसकी स्पेशल जीनोन F6 की स्ट्रक्चर आपको स्पेशल ध्यान रखनी है, तो अपना ये आंसर बिल्कुल राइट आएगा। इसकी स्ट्रक्चर यही होती है, ये स्ट्रक्चर आपको याद करनी पड़ेगी। आप ये ऐसे कर सकते हो, वाइब्रेशन काउंट कर लेना, 8 + 6 है, 2 आ गया 7 है, 7 का मतलब sp3d3। अब sp3d3 आ गया, लोन पेयर अपने को निकालने हैं, तो 7 - 6 एक लोन पेयर आ गया। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी है बेटा आपके पास, एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि आपका जो फाइव होंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, अगर 6 ही है तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि लोन पेयर यहां आ जाए, क्यों सर? और एक पॉसिबिलिटी होती है कि लोन पेयर अपना यहां पे आ जाए। ये डिपेंड किस पे करता है? जो आपका साइड एटम है उसकी साइज क्या है, और जीनोन जो सेंट्रल एटम है उसकी साइज क्या है। दोनों ही पोजिशन सही होती है ये, लेकिन साइज का खास तौर से रोल होता है। तो सर ने क्या कहा, इसका आपको ध्यान में रखना है, वो इसलिए क्योंकि इसमें जो लोन पेयर आने वाला है आपका वो यहां पे आने वाला है, इस वजह से ये जो ज्योमेट्री है वो थोड़ी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और इस टाइप की हो जाएगी आपकी। जीनोन दोनों ये एक्सियल आपके पास है, यहां वाला लोन पेयर हट चुका है, तो ये चारों एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे चले जाएंगे और यहां पे वो लोन पेयर आ जाएगा। इस वजह से इसको बोला जाएगा, आपको क्या बोल सकते हैं, डिस्टोर्टेड स्क्वायर प्लेनर या डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी इसको बोल दिया जाता है, क्यों सर? तो ये अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? इसके लिए अपन बात कर चुके हैं पहले कि इसका अस्तित्व हाँ नहीं होता, बिल्कुल, जैसे कि अपने उसी समय बात की थी सर, क्यों सर? नेक्स्ट सेलेक्ट देखिए सर, सर्टेन डायपोल मोमेंट ए बी हैज डायपोल मोमेंट इज 1.6 d एंड द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज 100 pm, द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन ए बी मॉलिक्यूल, ये किस पर डिपेंड है? ये डायपोल मोमेंट पर डिपेंड है सर, बताएं। बिल्कुल सर, ये कैलकुलेशन आते हैं मेरे को, बिल्कुल बड़ा अच्छा लगता है सॉल्व करना। परसेंट आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं अपन? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर अपने को निकालने हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखो आप, सिंपल सर, म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू थियोरेटिकल इनटू 100। फिर फॉर्मूले जब भी अप्लाई करते हो तो आप फिजिक्स अच्छे से पढ़ते हो, डायमेंशनल उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, क्यों सर? तो ये डे बाई में है
और अपना ये दे रखा है पिकोमीटर में, तो ऐसा करते हैं इनको ईएसयू इंटू सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो डेबाई को ईएसयू इंटू सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो इसको 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 18, तो ये हो जाएगा ईएसयू इंटू सेंटीमीटर। क्यों सर? बिल्कुल सर। वैसे ही इसको तो आपको पता है, ये तो हो गया म्यू आपका ऑब्जर्व है क्योंकि दे रखा है, म्यू थियोरेटिकल फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है, म्यू ऑब्जर्व आपका एक्सपेरिमेंटली मेजर करना पड़ता है, ये हुआ होता है मतलब वो ऑब्जर्व ही होगा। अब थियोरेटिकल है तो आपको पता है म्यू थियोरेटिकल कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्यू इंटू डी, तो चार्ज तो वही इलेक्ट्रॉन वाले ले लो 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ईएसयू आ गया। इसके अलावा डी तो आपको ये सेंटीमीटर में लेनी है, तो कैसे लोगे 100 इंटू 10 की पावर माइनस 10, अगर मीटर में लेनी होती तो माइनस 12 है, क्यों सर? तो ये हो गया सेंटीमीटर। अपना फॉर्मूला यहां रख दे तो म्यू ऑब्जर्व अपना कितना था 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 18, और ये हो जाएगा अपना 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इंटू 100 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इंटू 100, तो 100 से तो ये 100 से तो 100 चला गया, क्यों सर? इसको अगर सोल्व करेंगे तो ऊपर आएगा तो 10 की पावर माइनस 20, तो यहां कितना बच जाएगा 100, राइट सर? कैलकुलेट कर लेंगे बच्चे, और ये आ जाएगा अपना 0.333 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 33.3%, क्यों सर? तो अपना आंसर अप्रोक्स आ गया 36%। क्लियर? ये फॉर्मूला ध्यान रखें बस आप, इस फॉर्मूले में ये याद रखें कि ऊपर क्या रखना है, ऊपर जो दिया हुआ है उसको किस में रखना है, सर ने बताया ईएसयू सेंटीमीटर में रखना है, और नीचे भी वैल्यू रखनी है, वो ईएसयू सेंटीमीटर में चार्ज ईएसयू में कितना होता है ये होता है, और जो इनकी डिस्टेंस दे रहे थे उसको भी अपने किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में। आप गड़बड़ कहां करोगे, सिर्फ और सिर्फ यूनिट में गड़बड़ करते हो आप, यूनिट यहाँ सीधा सीधा उठाया आप यहाँ रख दोगे, नहीं पहले इसको किस में चेंज करना है, ईएसयू सेंटीमीटर में चेंज करना है तभी सही आंसर। आप हमेशा यूनिट्स को ईएसयू इनटू सेंटीमीटर में कर लिया करो, लफड़ाई खत्म। दूसरा कंफ्यूज करता है थियोरेटिकल ऊपर है या ऑब्जर्व है, एबीसीडी में जो पहले आता है वो ऊपर है, वो पहले आता है और टी बाद में आता है, क्यों सर? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाइब्रिडेशन इज संकरण से संबंधित असत्य कथन, इनकरेक्ट का अपने को पूरा ध्यान रखना है। पहला कहते हैं, पहला ऑप्शन है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर आइसोलेटेड एटम, यह विलगित परमाणुओं के लिए संभव नहीं है, बिल्कुल सही बात है कि ये अपन क्या कंपाउंड कोई मॉलिक्यूल है उसमें देखते हैं, CH4 में हाइब्रिडेशन देखेंगे, अगर कार्बन के लिए अकेले के लिए बात करें तो उसमें हाइब्रिडेशन अपन बात नहीं करेंगे, बिल्कुल आइसोलेटेड में आपको हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी क्यों थी, इसलिए तो जरूरत पड़ा था अपने को कि इनके अंदर इक्वल बॉन्ड है कि नहीं है सारे। अब जैसे इसमें sp3 आ गया हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका तो नॉन हाइब्रिड, हमेशा ध्यान रखो साइड एटम का तो नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल और सेंट्रल एटम का हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाते हैं, तो सारे बॉन्ड इक्वल हो गए ना sp3s, नहीं तो अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता तो यहां अलग टाइप के बॉन्ड हो जाते हैं ss ps ps और ps, क्यों सर? यस सर, जिसकी वजह से और बॉन्ड वो 90 के एंगल पे आ जाते हैं तो एग्जिस्ट नहीं करता ऐसा मॉलिक्यूल, तो हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत ही। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन देखते हैं जी सर, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मड इज सेम एज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडेशन, बनने वाले संकरित कक्षों की संख्या संकरण में भाग लेने वाले कक्षों की संख्या के समान होती है, बिल्कुल सही बात है, जितने अपन कक्षक डालेंगे उतने ही बाहर निकलेंगे, जैसे एक एस और एक पी लिया तो एसपी हाइब्रिडेशन कितना, एसपी नाम के दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, अगर एक एस दो पी लेता हूं तो sp2 नाम के तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, बिल्कुल ये अपने थोड़ी देर पहले ट्रिक निकाली थी ना अपने, याद हो तो भाई जैसे मैंने कहा था n की वैल्यू 2 आ जाए तो sp होगा, तो n क्या था नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, अब देखो एक s और एक p दो इन्वॉल्व हुए तो दो sp बनेंगे, कैसे? ये s हो गया, ये p इन्वॉल्व हो गया और ये हाइब्रिडाइजेशन के बाद में दो sp बन गए, इसको sp बोला जाएगा और इसको sp बोला जाएगा, वैसे ही जैसे sp2 आए तो दो p आ जाएंगे, बिल्कुल सर, तो अब तीन इन्वॉल्व हो गए। ये ध्यान रखना हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी और शेप इक्वल होगी, क्यों सर? तो तीन थे तो तीन, अब इनको sp मत बोलना sp2, इनका नाम हाइब्रिडाइजेशन से डिसाइड होगा, सेम सबकी सेम रहेगी, क्यों सर? नेक्स्ट देखिए, ओनली द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल कैन पार्टिसिपेट, नॉट द एम्प्टी ऑर्बिटल, केवल पूर्ण तथा अर्धपूर्ण कक्षक ही इसमें भाग लेते हैं, रिक्त कक्षक भाग नहीं लेते, ऐसा गलत है, अपन बोलते हैं हाइब्रिडेशन में पूर्ण पूरित अर्धपूरित एंड फुल फिल्ड, मतलब हाफ फिल्ड फुल फिल्ड एंड वैकेंट ऑर्बिटल, सारे के सारे ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे अपन फुल फिल्ड का तो एग्जांपल बात करते हैं क्या, जैसे लोन पेयर किसी के ऊपर है, लोन पेयर को अपन काउंट करते हैं किसमें हाइब्रिडेशन, काउंट करते हैं वो इसलिए करते हैं कि वहां लोन पेयर में पार्टिसिपेट किया होता है किसमें,
हाइब्रिडेशन बिल्कुल सर। हाफ फिल्ड जो होते हैं ऑर्बिटल को बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, और वैकेंट ऑर्बिटल के कुछ एग्जांपल है जैसे अपन बात करें B2S6। इसमें क्या होता है, एक वैकेंट ऑर्बिटल जो स्यूडो बॉन्ड बनता है उसके बीच में एक वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, इसलिए B2S6 में बोरोन का जो हाइब्रिडेशन है वो कौन सा आता है, SP3 आता है। सर का कहने का मतलब है जहां ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड आ रहा है, जहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ रहा है वहां वैकेंट 100% आ रहा है। जैसे BF4-, अगर BF3 होता तो हाइब्रिडाइजेशन SP2 होता है। अब F- जैसे आएगा, अब नया जो बॉन्ड बनने वाला है ये लोन पेयर देगा और ये अपने 2P में लेगा, 2P वैकेंट पड़ा है, और जैसे ये लेगा BF4- बन जाएगा और हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा SP3। इसका मतलब इसका वैकेंट 2P तो इन्वॉल्व हुआ। क्यों सर? बिल्कुल सर। तो ये जब आपके होंगे, रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट इसमें सर, वो था हाँ हाफ फिल इन्वॉल्व होंगे तो आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है एक एक से, क्योंकि सर इक्वल शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड, सिग्मा क्या वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। दूसरा अपना सर ने जैसे कहा वैकेंट, तो वैकेंट में सर अपना एक तो ट्राइसेंट्रिक आ गया, एक अपना कोऑर्डिनेट आ गया, और फिर फुल फिल के लिए सर ने बताया था आप जो लोन पेयर रखते हो वो उसकी बात करें। क्यों सर? तो ये अपना सही करेक्ट हो गया। ये सिर्फ इमेजिनेशन पे चलती है, ऐसी कोई इसका मतलब फिजिकली कोई आपके पास, ठीक है? क्यों सर? बिल्कुल सर, थर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज 1.1, हेंस डाइपोल मोमेंट ऑफ गिवन कंपाउंड विल बी, इसका द्विध्रुवांक ये है तो बताओ इसका क्या होगा। यस सर, बिल्कुल ऐसे सिंपल सा लग रहा है, आया हुआ है IIT में बेटा क्वेश्चन। अब देखो बेटा ये तीनों 120 पर है, 120 पे आ गए, 120 पर है ये, और क्यों सर? ये तीनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। पीछे बचा कौन? एक सीएल ही बचा, जो यहाँ मतलब इसमें डाइपोल मोमेंट किसके कारण है? सीएल के कारण है, तो यहाँ भी एक सीएल के कारण ही है, तो आंसर अपना इसी के इक्वल आ जाएगा, कितना 1.1। इसको देख के तो सर ऐसे लगता है पता नहीं कि कैसे मेजर करना पड़ेगा, लेकिन सिमेट्री देखते ही पता चल जाता है कि हाँ ये एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। क्यों सर? यस सर, आगे चले सर। यस सर, हाँ सर। अरेंज द फॉलोइंग स्पीसीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, बोन एंगल की बात कर रहा है बेटा। बोन एंगल कई फैक्टर पर डिपेंड करता है, एस करेक्टर हो गया, नंबर ऑफ लोन पेयर हो गया, सेंट्रल एटम की ईएन हो गया, लेटरल एटम की ईएन हो गया, और एक चीज होती है स्टेरिक इंड्रेंस। अगर लेटरल एटम की साइज इंक्रीज होती है, स्टेरिक इंड्रेंस बढ़ता है, जिसके कारण क्या होगा, बोन एंगल भी बढ़ेगा। अब इसमें गड़बड़ क्या करते हो, स्टेरिक इंड्रेंस या त्रिविम बाधा, हिंदी बोलते हैं स्टेरिक त्रिविम बाधा, स्टेरिक इंड्रेंस, अगर लेटरल एटम की साइज इंक्रीज होगी तो उनके बीच में रिपल्शन बढ़ेगा, तो बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज होगा। अब मैंने ये आपको बता दिया, आप क्या करते हो, उठा के हर जगह स्टेरिक इंड्रेंस चिपका देते हैं। बिल्कुल सर, जैसे इसका एक एग्जांपल पहले बता देता हूं आपको, BF3, BCL3, BBR3 और BI3। अब मैंने आपको मैं ये एग्जांपल पहले कराऊंगा, उसके बाद इसका आंसर आप देखना, वो सेम टू सेम दे दोगे। यहां पर आयोडीन का साइज बड़ा है तो उनमें रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका मिलेगा अपने को, आई का, फिर बीआर का, फिर सीएल का, और सबसे कम किसे मिलेगा, NF3 का मिलेगा। तो आंसर अपना इसमें तो फर्स्ट आ गया। अब मैंने यहां पर बताया कि स्टेरिक इंड्रेंस लग रहा है, साइज बड़ी हुई तो बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज हो गया, वो का वो आप यहां लगा दोगे, यहां लगाओगे आंसर रॉन्ग आ जाएगा। यहां बॉन्ड एंगल कैसा आएगा, सेम आएगा, क्योंकि यहां पे लोन पेयर ही नहीं है, लोन पेयर नहीं है, रेगुलर ज्योमेट्री है। अगर लोन पेयर एब्सेंट हो और साइड एटम सारे सेम हो, तो वहां पे रेगुलर ज्योमेट्री होगी, और ऐसी कंडीशन में बॉन्ड एंगल कभी भी चेंज नहीं होगा। क्यों सर? जैसे अपन एक एग्जांपल और कहते हैं, सल्फेट आयन है, फॉस्फेट आयन है, पर क्लोरेट आयन है। बिल्कुल सर। अब इनमें देखो सभी ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेटरल एटम यहां, और sp3 हाइब्रिडेशन चारों के चारों सिग्मा है, सारे ऑक्सीजन है चारों के चारों सिग्मा है, सारे ऑक्सीजन है चारों के चारों सिग्मा है, तो यहां भी बॉन्ड एंगल कितना आएगा, सेम आएगा। तो ये ध्यान रखना, अगर सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं हो, लेटरल एटम सेम हो, तो बॉन्ड एंगल ऑलवेज सेम रहेगा, सेम हाइब्रिडाइजेशन में। बिल्कुल सर, सेम हाइब्रिडाइजेशन में अगर लोन पेयर आ गया, अगर लोन पेयर आ गया तो कभी भी बॉन्ड एंगल सेम नहीं मिलेगा आपको, एक कंडीशन में छोड़कर, sp3d में लीनियर कंडीशन में छोड़कर, उस कंडीशन को छोड़कर बाकी सभी में आपको लोन पेयर आने पर सेम बॉन्ड एंगल नहीं मिलेगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है सर, अब इतना देखा तो ध्यान में आ गया, NO2 प्लस, NO2 और NO2 माइनस एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन बॉन्ड एंगल यहां पे चेंज है, यहां पे तो sp हाइब्रिडाइजेशन आ गया, तो बॉन्ड एंगल 180 हो गया। बिल्कुल सर, यहां पे sp2 आ गया,
तो आप यहां पे देखो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये अपना कोऑर्डिनेट आ गया और यहां पे एक अनपेयर्ड है और अनपेयर्ड कोई ज्यादा स्पेस कवर नहीं करता है तो ऐसे में यहां पे ये डबल बॉन्ड और ये रिपल्शन ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा और बॉन्ड एंगल पहुंच जाता है 132 120 से भी लार्ज। इसमें क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही इसमें है तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ये और ये ओ माइनस है और यहां पे क्या आ गया लोन पेयर होता है ज्यादा स्पेस कवर करता है तो बॉन्ड पेयर को अंदर की तरफ दबाएगा और ये बॉन्ड एंगल लेस देन 120 हो जाएगा। तो ऐसे में अगर सीक्वेंस देना चाहिए तो अपना सीक्वेंस कौन सा आ जाएगा याद है इस NO2 के लिए तो स्पेशल चीजें याद ही रखो बेटा क्या है ये sp2 हाइब्रिडेशन ब्राउन गैस बिल्कुल सर बॉन्ड एंगल नियर बाई सर ने बताया 132 या कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा 134 बिल्कुल सर पैरामैग्नेटिक क्या मिलेगा पैरामैग्नेटिक होगा सर इससे एक चीज और ध्यान में आ गई आपकी IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन आपके ध्यान में तो वो जैसे ये 25 पे आएगा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और जैसे ही अपना जीरो पे चला जाएगा तो ये अपना N2O4 बना लेगा और सॉलिड हो जाएगा डायमैग्नेटिक बन जाएगा कलरलेस हो जाएगा सॉलिड हो जाएगा और जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा रेडिश ब्राउन गैस हो जाएगी पैरामैग्नेटिक हो जाएगा और यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा क्यों सर बिल्कुल सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। हाँ जी सर द इनोलिक फॉर्म ऑफ एथिल एसीटोएसिटेट है तो अपने इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 क्यों सर अब इसकी इनोलिक फॉर्म लेनी हो तो यहां से क्या होगा अपना हाँ बिल्कुल सर यहां से ये हाइड्रोजन ये यहां पर आएगा और ये H यहां पे डिस्प्लेस होती है यूं कर सकते हैं अपन इसको डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना दें हाँ ये अपन यूं कर सकते हैं भाई ऑर्गेनिक का सौदा है अपना इतने ही आता है काम तो ये आ जाएगा CH3 क्यों सर COH डबल बॉन्ड यहां आ गया तो ये CH C डबल बॉन्ड O O CH2 CH3 यूं कर दें तो जितने हाइड्रोजन उतने सिग्मा क्यों सर तो तीन हाइड्रोजन तो ये तीन सिग्मा चार दो ये हो गए 6 7 8 9 डबल बॉन्ड में एक सिग्मा तो है ही 10 11 12 और यहां पे एक सिग्मा 13 14 एक ये छोड़ दिया ये हाइड्रोजन हो गया 15 18 सिग्मा हो गया वैसे तो ऐसा एक ही ऑप्शन है पाई और देख ले एक और दो पाई है तो अपना सेकंड आंसर है क्यों सर बिल्कुल नेक्स्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग स्पीसीज निम्न दी गई स्पीसीज में से बंद क्रम का कौन सा क्रम सही बेटा यहाँ MOT के लिए बात करें थोड़ी सी तो MOT के लिए मेनली जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अभी तक आपसे या तो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछी गई है या बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड लेंथ पूछा गया है तो इनके लिए एक सिंपल से ट्रिक बता रहा हूँ आपको अगर नॉर्मल कंडीशन के लिए बात कर रहा हूँ जैसे पैरा और पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक हिंदी में बोलते हैं अणुचुंबकीय इसको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय हिंदी मीडियम बच्चों के लिए पैरामैग्नेटिक स्पीसीज कौन सी होंगी जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉट इज गेस्ट इवन सॉरी ओड नंबर इलेक्ट्रॉन हो ओड नंबर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो किसको छोड़कर किसको काउंट करना है 10 और 16 को इसमें काउंट करना है सभी के सभी पैरामैग्नेटिक मिलेंगे 10 और 16 को इसी में काउंट करना है अपने डायमैग्नेटिक कौन से होंगे जिनमें इवन नंबर इलेक्ट्रॉन होगा किसको छोड़कर अपने को 16 और 10 को अपने को छोड़ देना है तो दो बातें बताएं एक तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक कौन सा ओड नंबर इलेक्ट्रॉन हो किसी भी मॉलिक्यूल में तो 10 और 16 को काउंट करना है और डायमैग्नेटिक इवन नंबर इलेक्ट्रॉन हो 10 और 16 को छोड़ देना है किसी को भी कर लो आप जैसे मैंने बोला H2 एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन दो हाइड्रोजन में दो तो कैसा हुआ अपने पास इवन नंबर तो कैसा आ गया डायमैग्नेटिक ठीक है जैसे मैंने लिया O2-1 17 कैसा है इवन ऑड नंबर ऑड नंबर मतलब पैरामैग्नेटिक किन दो का स्पेशल ध्यान रखना एक तो B2 का और दूसरा O2 का क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 10 परंतु 10 वाले को अपने किसमें काउंट किया है पैरा वाले में तो ये कैसा होगा पैरा और ये कैसा होगा पैरा इसमें कितने 16 इलेक्ट्रॉन है ये तो अपने बात की पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक ये सर ने आपको एक डायरेक्ट ट्रिक बताई है ये ध्यान रखना ठीक है बाकी अगर आप फॉर्मूले बेस अगर इसमें जाना चाहते हो
तो आप ये करना हमेशा, अगर एटम दिया जाए तो उनका कॉन्फिगरेशन एटॉमिक ऑर्बिटल में भर लेना। क्यों सर? बिल्कुल सर, जैसे ऑक्सीजन का करना हो तो एटम है ये, तो 1s2 2s2 और 2p4, इसका मतलब यहां पे दो अनपेयर्ड है तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। कैसा? अगर ये मोनोएटॉमिक हुआ तो। क्यों सर? ये डाइएटॉमिक आ गया, डाइएटॉमिक अगर कोई स्पीसीज है तो उनके लिए एमओटी काम में लो, मतलब कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बन रहे। तो इसके लिए कितने हो गए? 16। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s*2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s*2। यहां पे एक फंडा है सर, कंफ्यूज होते हैं सिग्मा 2pz पहले है या बाद में, तो मैं एक फंडा रखता हूं हमेशा, अगर इलेक्ट्रॉन अपने 14 से ज्यादा हो जाते तो हल्का हल्का नहीं रहेगा, हल्का भारी हो जाएगा। इसका मतलब जो हल्का है, जो छोटा है वो पहले आ जाएगा, भारी हो गया भाई। बॉन्डिंग का है 2, फिर पाई 2px, पाई 2py, इनको डिजनरेसी बोलेंगे, इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है अपनी, जनरेटेड ऑर्बिटल बोलते हैं। तो अब ये सिर्फ ये जो फंडा है ना हल्का हल्का भारी, ये सिर्फ बॉन्डिंग में लगाना है, एंटी बॉन्डिंग में नहीं लगाना। तो पाई 2px*, पाई 2py*, तो ये हो गए। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? दो आ गए। तो ये कैसा हो गया आपका? पैरामैग्नेटिक हो गया। इसमें वीबीटी नहीं लगानी है, डाई एटोमिक आ जाए तो मोलिकुलर ऑर्बिटल है, मोनो एटोमिक हो तो अपना क्या आ जाएगा? एटॉमिक ऑर्बिटल में, जैसे 1s2 ये बढ़ना है। और अगर पॉलीएटॉमिक हो, जैसे कि ओजोन, तो पॉलीएटॉमिक हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके ओड आ गए तो पैरामैग्नेटिक, और इवन आ गए तो डायमैग्नेटिक। जैसे इसमें 6+6+6 कितने आ गए? 18। इवन आ गए, इसका मतलब ये कैसा है? डायमैग्नेटिक। क्यों सर? बिल्कुल सर। अब इसने बात की बंद क्रम की, बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर के लिए भी एक ट्रिक बता रहा हूं आपको जल्दी से करने की। अगर 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं आपके पास जी, बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3। मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ और यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। आप क्या करते हो? बॉन्ड ऑर्डर काउंट करते हो, उसको देख कर करते हो। सर ने कहा था कि इवन नंबर और ओड नंबर, ये ओड नंबर मिल रहा है तो कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक। ये गलत बात है, ये बॉन्ड ऑर्डर है। मैं पहले पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक मैंने क्या बताई है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखकर। 14 से ऊपर जाओगे 20 पर कितना आएगा बेटा? 0 हो जाएगा। और 0.5 से डिक्रीज होता जाएगा 15 पर कितना आएगा? 2.5। 16 पर आएगा 2, 17 पर आएगा 1.5, 18 पर आएगा आपके 1 एंड 19 पर आएगा आपके 0.5। ऐसे ही नीचे की ओर जाओगे 10, 8 पर, किस पर? 8 पर कितना आएगा? 0। अब इसमें दो कंडीशन ले सकते हो, या तो 8 से ऊपर की ओर चलोगे तो 0.5 से इंक्रीज करते जाओ, या अपन इधर नीचे की ओर चलेंगे तो 0.5 से डिक्रीज करते जाओ। यहां कितना आएगा? 2। यहां कितना आएगा? 11 पर 1.5, और 10 पर कितना आएगा? 1 आएगा। इधर देखें 2, 4, 6, 10 और 10, 10 और सर साफ ना, बिल्कुल सर, मेरे को मिटाना तो काफी अच्छा लगता है। 10 और 10, बाकी सब पर बस। बस का मतलब क्या है? 0.5, मतलब इनके बीच में जो भी आएगा सब पर 0.5 ही आएगा। एक इलेक्ट्रॉन हुआ तो 0.5, 3 हुआ तो 0.5, 5 हुआ तो 0.5, 7 हुए तो 0.5, और 2 पर 1, 4 पर 0, 6 पर 1, 8 पर 0, और इधर 0.5 से इंक्रीज, इधर 0.5 से डिक्रीज। जितने भी तुम्हारे पास बॉन्ड ऑर्डर है सबका कैलकुलेट कर सकते हो। अब अपन ने बात की, देखो O2 -1 है, कितने हुए? 17 इलेक्ट्रॉन हुए। 17 पर कितना आएगा? 1.5। और O2 +1 है, O2 +1 पर कितना आएगा? कितने हुए? 15 इलेक्ट्रॉन हुए, 2.5। और कौन है? O2 +2, O2 +2, O2 +2 के लिए कितने आए बेटा? 14 इलेक्ट्रॉन हुए, 14 पर कितने हैं? 3। तो अपने को पता है बेटा जी, बॉन्ड ऑर्डर की सीधी बात की तो सबसे ज्यादा किसमें आएगा? O2 +2 में, सबसे ज्यादा किसमें? O2 +2, O2, ये रहा पहला ही ऑप्शन है, फिर O2 +1, फिर O2 -1, तो फर्स्ट आंसर अपना आ जाएगा। ट्रिक ध्यान रखें, आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि अपने को पता है बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैंड एनर्जी और इनवर्स टू बॉन्ड लेंथ। आप इसको रिटर्न में ले लेना, ये चीज जो सर ने बताई है वो आप ध्यान रखना। और अगर इसको इसको ग्राफ में अगर आप इस चीज को देखना चाहते हैं
इसी चीज को, सेम पैटर्न है, यही चीज है। ये अपना यहां पर जीरो हो गया, इधर वन हो गए, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, थोड़ा सी जगह कम पड़ गई, दोबारा लेना पड़ेगा, थोड़ा क्लोज कर लेते हैं इनको। जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन और ट्वेंटी। जैसे कि सर ने जो बताया ना उसी का मैं ग्राफ में देख रहा हूं, तो ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अपने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर। इधर अपना बॉन्ड ऑर्डर है, यहां पे 0.5, यहां पे 1, यहां पे बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.5, यहां पे 2, यहां पे 2.5, यहां पे 3 और यहां पे 3 आ गया। क्यों सर? तो वही जैसे सर ने बताया था, सर कहां तक लेके गए थे आप, एक के लिए बॉन्ड ऑर्डर दो तक, 2.5, यहां दो के लिए आपने बताया था कि एक होगा, बिल्कुल सर। क्यों सर? फिर आपने कहा जीरो होगा चार के लिए, सर वाली ट्रिक ही लगा रहा हूं मैं। फिर सर आपने कितने के लिए बताया, सिक्स के लिए, वापस से आपने कितना बताया, वन, तो मैं फिर से वन तक लेके गया हूं, देखो आप आराम से, सर वाली ट्रिक। फिर आपने एट के लिए फिर जीरो बताया सर, तो मैं फिर इसको जीरो पे लेके आया। फिर उसके बाद में सर ने क्या कहा, यहां थ्री पे जाएगा, इसका इंक चेंज कर लेते हैं ताकि दिखे, तो अपने को यहां तक ये लेके, जैसे ये 14 तक जाएगा वहां, आप अगर कॉपी में ड्रॉ करोगे तो ये ठीक आ जाएगा। फिर उसके बाद में सर ने जैसे कहा यहां आते फिर से जीरो हो जाएगा, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पे अब आप मैच करते जाना। क्यों सर? बिल्कुल सर, ये वही चीज है, मैंने कोई अलग से नहीं किया इसमें, सर वाला देख के ही ये पूरा काम सीखा है। जैसे ये यहां आ गया, यहां से 0.5 हो गया थ्री के लिए, जैसे सर ने क्या कहा था, टू के लिए वन, फोर के लिए जीरो, सिक्स के लिए सर ने फिर से कहा वन, इसके लिए फिर जीरो, और बीच वाले भी देख लो आप, अपने आप 0.5 आ रहे हैं, बस याद रख 10 10 और बस, बस का मतलब 0.5, 2 पर 1, 4 पर 0, 6 पर 1, 8 पर 0, बाकी सब पर 0.5 आएगा, बीच वाले 8 से पहले वाले जितने भी हैं उन सब पर 0.5 आएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बिल्कुल सर, इसको कर लेंगे बच्चे अब आराम से। Which of the following is are in correct? देखो ये फिर मैंने गलत पढ़ा, करेक्ट पूछा है तो सही के लिए बात है। PCl3 is more covalent than PCl5. Wrong statement है, क्योंकि बेटा जी अपने को पता है 5 क्या होती है, Q/I, और चार्ज बढ़ने पर 5 की वैल्यू बढ़ती है और कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ते हैं। यहाँ पर कितना चार्ज, प्लस 5, और यहाँ पर कितना है, प्लस 3। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पर कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे। केटायन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब है कि वहां पर वो पोलराइजेशन पावर बढ़ जाएगी उसकी, बिल्कुल, तो वहां पे मॉलिक्यूल में ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर देंगे। क्यों सर? बिल्कुल सर, मैं समझ गया आपकी बात, हो गया, तो ये मोर कोवलेंट इसको बता रहा है तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया। आउट ऑफ NF3 BrF3 जीनोन F2 एंड BrF6 टू ऑफ मॉलिक्यूल हैव सेम स्टेरिक नंबर। सर ने अभी बताया था स्टेरिक नंबर क्या होते हैं, क्या थे, सिग्मा प्लस लोन पेयर, लोन पेयर। तो देख ले आप ट्रिक लगा के, किसमें सिग्मा प्लस लोन पेयर सेम है, इसमें कितने हो गए, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, इसमें 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, इसमें यहां लिख देते हैं 2 सिग्मा 3 लोन पेयर, इसमें कितने हो गए बेटा, कितने, 6 सिग्मा 1 लोन पेयर। जैसे कि सर ने आपका बताया था कि n इक्वल्स टू सिग्मा प्लस लोन पेयर, अगर आप हाइब्रिडाइजेशन सेम देख लोगे तो उनके लिए भी सर स्टेरिक नंबर सेम हो जाएगा, तो आप हाइब्रिडाइजेशन से भी इस क्वेश्चन को, तो अपने पास कौन से आ गए, ये दोनों के स्टेरिक नंबर सेम आ जाएंगे। या आप इसको यूं कर लो, इसका हाइब्रिडाइजेशन अपना sp3 आ गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d आ गया,
इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d आ गया और इसका 7 और 6 से अपने हो गए sp3d3। तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन सेम है, इसका मतलब स्टेरिक नंबर सेम है, तो ये दो हो गए। और यहां पे यही कहा कि दो के लिए सेम है, क्यों सर? बिल्कुल सर, ये ऑप्शन सही है। मैं तो बेटा ये देखना, ये नीचे आजकल ऑप्शन अलग देने लगे, तो इसके लिए आप कैसे नहीं है कि सीधा देखा बी आंसर कर दिया अपन, नीचे पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो। नेक्स्ट देखते हैं अपन, तो यहां पे सर करेक्ट देखना था, एक तो बी सही हो गया। हां जी, नेक्स्ट आईओ 3 से इज ऑफ ट्राइगोनल प्लेनर शेप, बेटा नो आईओ 3 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, पिरामिडल शेप आएगी, ये ट्राइगोनल का मतलब एंगल तो वो तीन ही होने, लेकिन वो यू होंगे पिरामिडल शेप में होंगे, तो प्लेनर नहीं होगी। एक चीज समझना, जब भी पिरामिडल वर्ड लग गया तो कभी भी जो शेप होगी प्लेनर नहीं होगी, समतलीय नहीं होगी। जब भी पिरामिड वर्ड लग गया तो प्लेनर कभी भी नहीं आएगी, ठीक है? तो पिरामिड वर्ड का देख लेना आप, जहां भी मिले आपको, मतलब वो असमतलीय है, प्लेनर नहीं है। आगे बात कर रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर की, बात कर रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर इसका काउंट करें, इसके बहुत से तरीके हैं। आपको मैं एक इजी तरीका आपको बता रहा हूं बेटा, किसी जब भी ऑक्सीजन लगा हुआ हो उसका बॉन्ड ऑर्डर काउंट करना हो, आप फटाक से क्या करना, डबल बॉन्ड ओ वाले ऑक्सीजन काउंट कर लेना और ओ माइनस वाले ऑक्सीजन काउंट कर लेना, उनके जितने बॉन्ड है उनको काउंट करके उन ऑक्सीजन से डिवाइड कर देना। जैसे मैंने देखा 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो गए और ऑक्सीजन कितने हैं, ये 4 है, तो डिवाइड किया तो कितना आ गया 1.25 आ गया, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1.25। और बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, एवरेज बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, डबल बॉन्ड नहीं है, ये कितना है 1.25 है, क्योंकि इसके सिंगल बॉन्ड नहीं है 1.25 है, एक पाई बॉन्ड कितनी जगह रोटेट हो रहा है। बिल्कुल सर, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होने से ये परमानेंट यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, पार्शियली डबल बॉन्ड रहेगा, सबके साथ घूमेगा। क्यों सर? यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछता है, वो इस पूछता है फॉस्फेट आयन की कितनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, कितनी अनुनादी संरचना है। उसका भी सीधा सा तरीका, जो नीचे की वैल्यू लिखी आएगी ना बेटा, ये क्या होगी, अनुनादी संरचना, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगी, ठीक है? तो अगर आपको पूछे सीधा क्वेश्चन कि फॉस्फेट आयन की कितनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रही है, तो कितनी आएंगी, 4। किसी का भी काउंट करो आप, जैसे मैंने बोला क्लोरेट आयन बोला, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव। मेरा तरीका अपनाओ, 2 2 4 5 5 कितने ऑक्सीजन, 3, तो कितना है 5 by 3 कितना आ गया 1.66 आ गया, मतलब इसकी कितनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी, 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी। मैंने ये लिया फॉस्फाइट आयन लिया, बिल्कुल सर, फॉस्फाइट आयन की स्ट्रक्चर क्या होती है, पी डबल बॉन्ड ओ एच ओ नेगेटिव, तो यहाँ ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मैंने कंडीशन भी आपको बताई है, डबल बॉन्ड ओ वाले ओ नेगेटिव वाले, यहां देखो 1 2 3 4 4 by 3 ऑक्सीजन है, 4 by 3 का मतलब कितना आ गया बेटा 1.33 आ गया। तो ऐसे बॉन्ड ऑर्डर अपन कोई भी काउंट कर सकते हैं। इसमें यह ध्यान रखना, डाई एटोमिक अगर स्पीसीज है तो बॉन्ड ऑर्डर एमओटी से, और पॉली एटोमिक आगे तो सर वाली ट्रिक से, रेजोनेंस से, मतलब है रेजोनेंस की ट्रिक पर, हाँ। ट्रिक है फटाक से करने का तरीका ही अनुनादी संरचना या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी काउंट कर सकते हैं। आपको करना है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड अपॉन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, बॉन्ड कौन से, जो ओ डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ओ माइनस से जुड़े हुए हैं, वो वही, ऐसे नहीं टोटल बॉन्ड नंबर, इसमें ये काउंट नहीं करना है अपने को, जिनके बीच बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए वो। अगर यहाँ पे कहे फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड ऑर्डर काउंट करना है, तो ऐसे में टोटल बॉन्ड हो गया 1 और ये रेजोनेंस में इंक्लूड होगा, नहीं तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी 1 ही मानी जाएगी इसकी वजह से, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे परमानेंटली 1 हो जाएगा। तो खास तौर से ये ध्यान रखना कि बॉन्ड ऑर्डर पूछ किस में रहा है, जैसे इसमें तो सारे ऑक्सीजन है, तो अपने को पता है पी हो गए, बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहे, क्यों सर? ये स्ट्रक्चर ये क्या हो गया, राइट हो गया, तो सही कौन से, बी एंड डी, तो अपना सर आंसर हो जाएगा थर्ड, क्यों सर? बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, हाँ सर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर ऑफ नॉन लीनियर शेप, बेटा शेप के लिए बात करता हूँ, सीधा आपको यहाँ पर आना है हाइब्रिडाइजेशन पर आना है। बिल्कुल सर, सबसे पहले अपन हाइब्रिडाइजेशन काउंट करते हैं सर, करेंगे आपके लिए, इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन अपनी ट्रिक लगाओ, अब मैं बार बार मेजर नहीं करूंगा, आपको खुद को निकालनी है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, लोन पेयर इसका 1 आ जाएगा, अगर सोल्व करके देखोगे तो ये कैसा आ जाएगा आपका, वी शेप आ जाएगा। फिर उसके बाद में चले SO2, तो वही 6/2, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा और लोन पेयर आ जाएगा आपका 1, तो ये भी कैसा हो जाएगा, एंगुलर बोल दो या वी शेप बोल दो। यहां पे अभी अपन ने बताया था आपका, इसको पूरा सोल्व करके देखो तो वही 5, ये 1 माइनस हो जाएगा 2, तो कितना आ गया 2 sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें ये प्लस ऑक्सीजन पे नहीं है बेटा, ये यू है इसकी से,
क्यों सर? बिल्कुल, तो ये कैसा हो गया? लीनियर हो गया। फिर उसके बाद में O3, तो ओजोन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, ये कोऑर्डिनेट और ये लोन पेयर। सर इसके लिए भी बच्चों को एक बार बॉन्ड ऑर्डर बता दो इसका। ये देखो बेटा, ए काउंट करो इसको, 1 2 3 3 बाय 2 मतलब कितना आया 1.5 है। इसका मतलब देखो, ये नीचे शेप क्या लिखा हुआ है, कौन नंबर लिखा हुआ, मतलब ओजोन की कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, ये याद रखना। मैं बार-बार बोल रहा हूं, ये नीचे वाले बार बार पूछता है, कई बार पूछ चुका है कि ओजोन की कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी, सल्फेट आयन की कितनी होंगी, सल्फाइड आयन की कितनी होंगी, फॉस्फेट की कितनी होंगी, परक्लोरेट की कितनी होंगी, क्लोरेट की कितनी होगी, क्लोराइड की कितनी होगी, किसी का भी पूछ लिया आप बता सकते हो। तो यहाँ पे आपको पूछा था नॉन लीनियर शेप, बोले तो अरेखीय, तो ये भी अरेखीय है, ये अरेखीय है, ये अरेखीय है, तो अपना आंसर हो जाएगा थर्ड। क्यों सर? बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। बिल्कुल सर। हाँ सर, गिवन दिया है, ये बेटा एक बोर्ड साइकिल है, इसमें बात करें ये कौन सी एनर्जी है, सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी हो गई, ये क्या हो गई आईपी हो गई, ये क्या हो गई बॉन्ड डिस्ट्रक्शन एनर्जी हो गई, और ये क्या हो गई ईए हो गई इलेक्ट्रॉन। तो अपन ये कहें डेल्टा एस सब्लिमेशन है, ये क्या आईपी है, ये क्या है बीडी है, और ये क्या है ईए, और ये कौन सी एनर्जी है, यहां पर एनर्जी निकलेगी लेटेस्ट एनर्जी, कौन है ये लेटेस्ट एनर्जी। तो यहां पर अपन बात करें, एक एटम के लिए बात करते हैं, तो एक सब्लिमेशन आ जाएगी। बिल्कुल सर, एक बैलेंस इक्वेशन लिख लेते हैं पहले इसकी। बिल्कुल एस या डायरेक्ट कर सकते हैं सर। बिल्कुल, प्लस एक आईपी ले ली मैंने, क्योंकि एक सोडियम एक ही लेने, यहां पर आप बता रहे हैं कि Na प्लस ये आयन बनाने अपने को, एक सोडियम बनाना है तो एक आईपी ले ली, प्लस बीडी के लिए रामायण होती है अपने बेटा। देखो दो आइटम अटैच हो रहे हैं, एक आइटम इधर से आ रहा है, एक आइटम अटैच से इधर, उनमें बॉन्ड बन रहे हैं। मान लो 100 जूल एनर्जी इसकी थी, 100 जूल एनर्जी इसकी थी, ये बॉन्ड बना, मान लो 80 जूल इसकी बाहर निकली, 80 जूल इसकी मतलब 160 बाहर निकल गई। अब इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो जितनी बाहर निकलती है उतनी ही वापस हमने वो देनी पड़ेगी। तो इसके पास वापस कितनी जाएगी, 80 जाएगी, मतलब जितनी बॉन्ड एनर्जी है उसकी हाफ इसके पास जाएगी, हाफ इसके पास जाएगी। तो अपने को सीएल कितने लेने हैं, एक लेने हैं, तो यहाँ बीडी कितनी लेनी पड़ेगी अपने को, हाफ लेनी पड़ेगी सर, बीडी लेनी पड़ेगी। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये और लेटेस्ट एनर्जी एक्सोथर्मिक, तो इनको किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, माइनस से, तो क्या बन गया माइनस ई एंड माइनस यू, तो ये अपने पास इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे कोई इक्वेशन देखें, ये बन गए, ये नहीं है माइनस वाले, देखें तो ये इक्वेशन बन गई अपने पास, एस प्लस आई प्लस डी बाई टू माइनस ई माइनस यू। बाकी इसको आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे, फिर भी आपको इसके लिए एक बैलेंस इक्वेशन से और बता देते हैं पूरा। क्यों सर? आप यहाँ पे देख लो, पूरे आपको डेटा यहाँ पे मिले हुए हैं, आपको ये बनाना है, इसके लिए तो पूछ रहा है, तो ये बनाने के लिए देखो आपको क्या क्या चाहिए। खाली पेज पे चलते, अपने पास क्या होता है, सोडियम सॉलिड है, फिर हाफ चाहिए सीएल टू, ये गैसेज होती है, और आपका ये बन जाएगा एन ए सी एल, ये सोलिड बन जाएगा, और ये डेल्टा एफ एच आपको यहां पे फॉर्मेशन एंथैल्पी यहां पे पूछ रहा है। तो देखो रिएक्शन हमेशा गैसेस फॉर्म में लाओ इसको, तो यहां पे अपने को सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये आ जाएगा एन ए गैस में। फिर इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको यहां पे आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसको यहां पे आपका आई से डिनोट कर रहा था, क्वेश्चन में देख लेना, तो ये हो गया एन ए प्लस गैस। वैसे ही इसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डी आपको दे रखी है, लेकिन वन मोल के लिए कितनी होती है डी, क्योंकि वन मोल के लिए दी थी सर, वो अपने को यहां पे सी एड टू को तोड़ रहा था टू सी एल में, अपने को तो हाफ मोल ही है, तो डी बाई टू। क्यों सर? तो ये हो गया सी एल गैस। अब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहां पर एनर्जी निकलेगी माइनस एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो सी एल माइनस ये गैस हो गया। अपोजिट आयन के बीच हमेशा अट्रैक्शन आयनिक बॉन्ड बनेगा सॉलिड, ये आपके आगे माइनस यू, तो यहां पे आप देख सकते हो एस प्लस आई प्लस डी बाई टू माइनस ई माइनस यू। क्यों सर? आ गया आंसर। तो अपना आंसर जैसे कि सर ने बताया था, अपना आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले सर। बिल्कुल सर, देखिए सर बेटा ये वही आ गया, बॉन्ड लेंथ करेक्ट ऑर्डर फॉर एवरेज बॉन्ड लेंथ। मैंने अभी आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का तरीका बताया था, अपने को पता है बॉन्ड ऑर्डर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड एनर्जी के, और इनवर्स होता है बॉन्ड लेंथ के। बिल्कुल सर, तो अपन वही तरीका अपनाओ जो मैंने आपको बताया। सीएलओ फोर लिया मैंने सबसे पहले, इसका बॉन्ड ऑर्डर काउंट करेंगे अपन,
O नेगेटिव, इसका बॉन्ड ऑर्डर काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7, 7 by 4 आ गया, मतलब 1.75 आ जाएगा, कितना जाएगा 1.75। ऐसे मैं CLO3 लेता हूं, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, तो यहां कितना है 5 by 3 आ गया, कितना आ जाएगा 1.66 आ गया, कितना आ गया 1.66। ऐसे CLO2 लेता हूं, CL डबल बॉन्ड O नेगेटिव लिया मैंने, 1.3, 3 by 2 आ गया, मतलब 1.5 आ गया। वैसे CLO माइनस के लिए, और CLO माइनस के लिए अपन देखा 1 आ जाएगा। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्स है बॉन्ड लेंथ, तो इसने बॉन्ड लेंथ ही पूछी है, तो सबसे ज्यादा किसमें आएगी, CLO में, फिर इसमें, फिर इसमें और फिर इसमें, तो ये ऐसा ऑप्शन अपन देखेंगे, फोर्थ आंसर हो जाएगा। अब यहां से अपन वापस देख सकते हैं, आपको पूछे पर क्लोरेट आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4, क्लोरेट आयन की 3, क्लोराइड आयन की 2, इसकी 0 बोली जाएगी, क्योंकि ये अकेले खुद स्ट्रक्चर है, क्यों सर? यस, नेक्स्ट बात करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर में पूछते तो सर ने मेजर करी थी, उल्टा हो जाएगा उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्लेनर शेप ऑफ NSiS3 का होल साइज इज एक्सप्लेन्ड बाय। ये कह रहे हैं कि NSiS3 है जो प्लेनर है, बेटा ये किस बेस पर है, बैक बॉन्डिंग पश्चबंध नाम के एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दो टाइप का होता है बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, एक तो सिग्मा टाइप का होता है, दूसरा पाई टाइप का होता है। सिग्मा टाइप का कैसे पता लगेगा, सिग्मा टाइप का अगर दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड बन रहा है तो वो सिग्मा टाइप का बॉन्ड बनेगा, अगर दो एटम के बीच में पहले से सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो पाई टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, उसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, हिंदी में बोलते हैं पश्चबंध। इस नाइट्रोजन के पास क्या पड़े बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए कंडीशन क्या बनाते हैं, एक लेविस एसिड होना चाहिए, दूसरा लेविस बेस होना चाहिए, इसके ऊपर लोन पेयर पड़े, ठीक, इसके तरह बेहेव करेगा लेविस, लेविस बेस, बेस की तरह, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल पड़े कौन से, 3D वाले, ठीक, इसके तरह बेहेव करेगा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इसकी ओर, कहां से जा रहे हैं, 2p से इलेक्ट्रॉन 3d में जा रहे हैं, तो इसका बॉन्ड का नाम हो गया 2p π 3d π। बिल्कुल सर, तो अब इसमें देखते हैं, ये लोन पेयर जा चुके हैं, ये लोन पेयर कहां जा चुके हैं, हाइब्रिडाइजेशन में जा चुके हैं, 2p से 3d में जा चुके हैं, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन नहीं, बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग में ये लोन पेयर जा चुके हैं, किसमें जा चुके हैं, बैक बॉन्डिंग में। तो बात करते हैं अपन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन, ये लोन पेयर तो चले गए किसमें, पाई बॉन्ड में, पाई बॉन्ड को अपन किसमें कंसीडर नहीं करते, हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो इसमें अपन क्या मानते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोल देते हैं। ठीक है, यहां बॉन्ड एडिशन dpi ppi ओवरलैपिंग अलोंग नाइट्रोजन सिलिकॉन बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है, ppi dpi बॉन्ड बन चुका है, ये दोनों ही रीजन हो गए। थर्ड देखते हैं, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एटम, नो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो ये नहीं होगा, तो आंसर आ जाएगा अपना ए एंड बी, तो आंसर आ गया अपना सर सेकंड। इससे सर मेरे एक चीज समझ में आ गई आपकी, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जब जब लोन पेयर आपका बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा उसको हाइब्रिडाइजेशन में नहीं ले सकते। बिल्कुल सर, ऐसे ही अगर आपका लोन पेयर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में काउंट हो गया तो भी वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा। एक चीज ध्यान रखनी है, यहां लोन पेयर लेने वाला अच्छा होना चाहिए, लोन पे डोनर अच्छा होना बिल्कुल सर, इसके लिए क्लोरीन आ गया ना तो वो लोन पे डोनर अच्छा नहीं हो, क्योंकि उसके पास पहले से ही लोन पेयर पड़े हुए। इसका मतलब आपको हमेशा ध्यान रखना, जब भी बैक बॉन्डिंग होगी तो बैक बॉन्डिंग में याद रखो लोन पेयर होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, क्यों सर? ये दो कंडीशन हो गई, लेकिन ये दो कंडीशन होने के बाद में भी बैक बॉन्डिंग हो जरूरी नहीं, इसके लिए एक चीज याद रखो, जिनके बीच बैक बॉन्डिंग होने वाली है वो दोनों या तो सेकंड पीरियड से बिलोंग करने चाहिए, या एक सेकंड पीरियड से और एक थर्ड पीरियड से बिलोंग करना चाहिए। अगर दोनों थर्ड से करेंगे तो भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, एक सेकंड और फोर्थ का आ गया तो भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, आपको इन्हीं दो कंडीशन में इफेक्टिव बॉन्ड बैक बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। इन ही इफेक्टिव बॉन्ड बैक बॉन्डिंग काउंट की जाती है, कौन सी बेटा जी, सबसे स्ट्रॉन्ग 2p π 2p π, बिल्कुल सर, उसके बाद में 2p π और 3d π, उसके बाद में 2p π 3p π, बिल्कुल सर, मतलब कि तीन बैक बॉन्डिंग एक्सेप्ट, जिनके बीच बैक बॉन्डिंग होने वाली है दोनों या तो सेकंड पीरियड से बिलोंग करें, एक सेकंड से और एक थर्ड से बिलोंग करें तो ही होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो बिल्कुल यहां पे जैसे कि सर ने बताया ये इन्वॉल्व हो गया, ये बिल्कुल सर हाइब्रिडाइजेशन का रोल है इसका, मतलब तो अपना आंसर एडी होगा, ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए सर, Which of the following is the correct order for strength of overlapping?
ओवरलैपिंग की स्ट्रेंथ देखनी है बेटा। ओवरलैपिंग तीन चीजों पर डिपेंड करती है। सबसे पहले जो ओवरलैपिंग है मेनली किस पर डिपेंड करती है? साइज पे। ये साइज के इनवर्स होती है। बिल्कुल सर। इसके लिए पहले अपन बात कर चुके हैं बोन एनर्जी को देखकर, पिछले क्लास में पीरियोडिक टेबल में अपने बात की थी। सेकंड चीज होती है वो किसकी होती है? डायरेक्शन। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है ऑर्बिटल की वो ओवरलैपिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। पर ओवरलैपिंग फैक्टर कब लगा, ये डायरेक्शन प्रॉपर्टी कब लगाना है? जब क्या हो, सेम साइज हो। बिल्कुल सर। सेम साइज का मतलब क्या हो? सेम शेल हो, या सेम शेल बोल सकते हैं अपन। बिल्कुल। अपन बात करें इनमें। बिल्कुल सर। यहाँ पे तो देखो पीपी कोलेटेरियल की बात कर रहा है, तो कोलेटेरियल आते ही पाई बॉन्ड, यहाँ पर तो ओवरलैपिंग की क्वांटिटी बहुत कम होगी, तो ये तो गया सर कोलेटेरियल आते ही, क्योंकि यहाँ पे एक्सियल, इसमें तो कोई एक्सियल होता नहीं, यहाँ पे आ गई आपकी सिग्मा बॉन्ड के लिए, इनमें सिग्मा बॉन्ड हो गया। और यहाँ पर क्या हो रहा है कोलेटेरियल में, यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी तो दोनों न्यूक्लियस नजदीक आ जाएंगे, जिससे इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। क्यों सर? तो ये तो चला जाएगा जैसा कि सर ने, हाँ इसमें ध्यान रखना, अब ये सारे डायरेक्शनल हो गए, एस में परसेंट एस करेक्टर देख लो आप, एस करेक्टर बढ़ता है तो ओवरलैपिंग की क्वांटिटी भी बढ़ेगी। क्यों सर? तो sp2 में एस करेक्टर ज्यादा है, दोनों sp2 है, सही है। फिर एक sp3 आ गया, एस करेक्टर थोड़े कम हुए तो ओवरलैपिंग भी कम हो गई, और यहाँ पे और कम हो गए तो ये हो गया, ये सही हो गया सर। सेकंड आंसर। और जैसा कि सर ने बताया कि डायरेक्शनल कहां देखना है, जब साइज सेम हो, तो यहां हो दोनों नॉन डायरेक्शनल है, दोनों डायरेक्शनल है, 2p 2p है। अब यहां पे देखो एक नॉन डायरेक्शनल आ गया और साइज सेम है, तो जब साइज सेम होती है तो डायरेक्शनल को इंपोर्टेंस दी जाती है, तो ये यहां आता तो सही होता। क्यों सर? वैसे ही इसकी बात करें तो यहां पे ये नॉन डायरेक्शनल है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सर ने क्या कहा, ओवरलैपिंग और साइज इनवर्सली है, तो इसका ऑर्डर यूं आता। क्यों सर? बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। हाँ सर। सही मिलान चुनी, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इस पर ध्यान देना। देखो पहले बात कर रहे हैं, इनसे ही बात करें, ये कौन है? एक आयन है। बिल्कुल सर। और ये क्या है? एक डायपोल। डायपोल हो गया तो आयन, इनके बीच में क्या बनेगा? आयन डायपोल बनेगा। इधर लिखा हुआ है, अपन इसको मिलान कर देते हैं। ये आर हो गया सर। आयन डायपोल कहां है? ये आयन डायपोल है। सॉलिड जीनोन बेटा जी, जीनोन इनर्ट गैस में कौन सा लंदन फोर्स पाया जाएगा? हमेशा लंदन फोर्स, जितने भी नॉन पोलर है या इनर्ट गैस है उन सभी में लंदन फोर्स होता है। जहां पर कोई बॉन्ड नहीं होता वहां वंडरवाल मान लो। क्यों सर? CCl4 है, CCl4 है, ये दोनों नॉन पोलर है। बेंजीन है C6H6, ये भी कैसा कंपाउंड है? नॉन पोलर कंपाउंड। जितने भी नॉन पोलर कंपाउंड है सब में कौन सा फोर्स लगेगा? लंदन फोर्स लगेगा। ये P हो गया सर। लिक्विड HCl, लिक्विड HCl मतलब ये एक HCl है और दूसरा HCl है, ये पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, ये क्या बन गया? एक डायपोल बन गया। हो गया सर। पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, ये भी क्या हो गया? डायपोल हो गया। तो ये हो गया डायपोल, डायपोल अट्रैक्शन फोर्स हो गया। कौन हो गया सर? इसके डायपोल, डायपोल अट्रैक्शन फोर्स हो गया। डी बात करते हैं, NS3 एंड Br2। NS3 एंड Br2 के लिए बात करें तो Br2 एक क्या है? नॉन पोलर कंपाउंड है और NS3 का एक पोलर कंपाउंड है, ये क्या है? डायपोल हो गया। ये डायपोल क्या करेगा? इसमें डायपोल इंड्यूस्ड कर देगा। बिल्कुल। मतलब इस पर क्या डेवलप कर देगा? इसके खुद के ऊपर अगर नेगेटिव है पार्शियली तो यहाँ पर कर देगा पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव। किसने इंड्यूस किया? डायपोल है, तो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन फोर्स। तो ऐसा कौन सा है? क्यू है, तो ये क्यू। तो ऐसा मिलान कर लीजिए, आर दो में है सर, फिर पी दोनों में है, ये आ गया सर, थर्ड आ गया। ए का आर, बी का पी, सी का एस, डी का क्यू, थर्ड आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चंस को सही करने के बाद में भी आप एरर करते तो ये मिलान सही करना। हाँ बिल्कुल सर। क्यों सर? बिल्कुल सर। देखिए सर, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड से संबंधित कौन सा कथन सही है? ग्लाइकोल इज मोर विस्कस देन ग्लिसरॉल। बेटा जी, जो विस्कोसिटी है वो विस्कोसिटी किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पर डिपेंड करती है। हाइड्रोजन बॉन्ड को अगर लेकर चले तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे उतनी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। ग्लाइकोल के लिए बात कर रहे हो तो अपन बात करते हैं CH2OH, ये ग्लाइकोल है। कौन है? ग्लाइकोल है। अगर ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन के लिए बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? CH2OH, बिल्कुल CHOH एंड CH2OH, नंबर ऑफ OH बॉन्ड बढ़ेंगे तो अपने पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड भी इंक्रीज होंगी, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है किसमें? इसमें। तो विस्कोसिटी किसकी ज्यादा आएगी? इसकी। ये क्या कह रहा है? उल्टा बोल रहा है, ग्लाइकोल इज मोर विस्कस बता रहा है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। और पूछ रहा किसने? क्या इसने?
करेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. नेक्स्ट बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्राइमरी एमीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ आइसोमेरिक सेकेंडरी एमीन. आइसोमेरिक होनी चाहिए, आइसोमर के लिए आपको पता है नंबर वेट कैसा होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर वेट सेम होना चाहिए. मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो अपन क्या देखेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड देखेंगे. प्राइमरी एल्किन मान लो ये बन गई अपने पास, और सेकेंडरी एमीन ये बन गई. मॉलिक्यूलर वेट तो सेम है, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने बनेंगे, तीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेंगे, जबकि यहां कितने बनेंगे, दो ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेंगे. नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़े इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी अब इंक्रीज होगा. सर कईयों के कंफ्यूज होगा कि ये तीन बनेंगे कैसे, हाइड्रोजन तो दो ही है, तो नेक्स्ट प्राथमिक एमीन आएगी उसके साथ इसका नाइट्रोजन भी तो बनाएगा ना, क्यों सर? यस सर, प्राथमिक एमीन का क्रॉस नाम सामान्य, तो ये दोनों सही होगी, बिल्कुल सही बात है. नेक्स्ट सर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2 इज हायर देन दोज ऑफ H2S एंड H2SE. बिल्कुल, ये भी बेटा बेटा जब भी बॉइलिंग पॉइंट की बात आती है तो सीधा दिमाग में सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड लाया करो. हाइड्रोजन बॉन्ड H2 क्या रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है, तो H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा किसकी तुलना में, H2S है H2S की तुलना में. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल राइट है. यहां पे सर अपन थोड़ी मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं बच्चों से, ये ऑप्शन चल कर लो आप नेक्स्ट क्लास उसमें पेज पर. देखो हमेशा ध्यान रखो आयोनिक का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है कोवेलेंट से, और सारे के सारे अगर आयनिक हैं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट जनरली दिया जाएगा लेटेस्ट एनर्जी से. हमेशा ध्यान रखो मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा लेटेस्ट एनर्जी, वो मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो. बस एक चीज का ध्यान रखना, मेल्टिंग पॉइंट पैकिंग पे और डिपेंड करता है, वो एक एक्स्ट्रा चीज आ जाएगी. फिर उसके बाद में कोवेलेंट, कोवेलेंट जब भी आ जाए तो इनका मेल्टिंग पॉइंट दिया जाता है वांडरवाल फोर्स, और वांडरवाल फोर्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोलिकुलर वेट के. ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. एक्सेप्शन है इसमें कुछ, जैसे कि सर ने प्रीवियस क्लास में आपको बताया है पीरियोडिक टेबल में कि अगर थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर आ गई कोवेलेंट सॉलिड की, जहां पे सर ने बात की थी जैसे डायमंड हो गया, कार्बोरेंडम हो गया, ग्रेफाइट हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, क्यों सर? तो थ्री डायमेंशनल पैकिंग की वजह से जैसे डायमंड वगैरह की मेल्टिंग पॉइंट आयनिक से भी ज्यादा हो जाएगी. ठीक है, तो अभी अपने ऑप्शन के पास चलते हैं. H2O था, H2S था और H2SE था, अपन इतनी ही बात करते हैं एक बार. तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है तो इधर जा रहे हैं तो मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो रहा है, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो रहा है तो वांडरवाल फोर्स इंक्रीज हो रहा है, और वांडरवाल फोर्स इंक्रीज हो रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, तो उस हिसाब से तो आ गया ये. लेकिन यहां पर क्या होगा, इसमें एच बॉन्ड आ गया और एच बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है वो वांडरवाल फोर्स से ज्यादा होती है, तो यहां पर पैकिंग ज्यादा होगी तो अब नॉर्मली इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा इनसे, क्यों सर? तो ये बात थी कुछ, बाकी आगे और आएगा सर मेल्टिंग पॉइंट तो वहां अपने डिस्कस कर लेंगे आयनिक के लिए, क्यों सर? बिल्कुल सर. तो इसमें अपन ने, तो अपन ने इसमें जैसे कि ये बात कही थी अपन ने सर, ये रॉन्ग स्टेटमेंट था, ये करेक्ट हो गया था सर, ये करेक्ट था, ये करेक्ट हो गया, ये और देखिए सर, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल कैन मोर इजीली वेपराइज देन पैरानिटोल. वेपराइज मतलब जो वेपर में जल्दी चेंज होगा, वेपर में जो वो जल्दी चेंज होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और बॉइलिंग पॉइंट कम है मतलब जिसमें दो बॉन्ड है बेटा, एक तो इंट्रा, इंग्लिश में याद रखें इसको हिंदी वीडियो वाले भी, और दूसरा है इंटर. बिल्कुल, ये सब बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए बेटा इसके लिए इंग्लिश में याद है, इंट्रा मतलब एक में, याद रखने के लिए ए फर्स्ट वर्ड है अल्फाबेटिक, तो एक ही मॉलिक्यूल में अगर आ रहा है तो वो कैसा होगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल्स में आ रहा है तो कैसा होगा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. तो जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है उसमें क्या होता है बेटा, इंट्रा मॉलिक्यूलर होता है, क्या होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर. ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में अगर बात करें तो इंट्रा आ जाएगा, और पैरा में बात करें तो क्या आ जाएगा, इंटर आ जाएगा. एक बात और कर लेता है उसमें, मेटा नाइट्रोफिनोल. बिल्कुल सर, इस मेटा के लिए बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि 60 डिग्री पर तो ये है, 120 पर कितना, 120 पर भी बेटा ये आ जाना, इंट्रा केवल और केवल आपको कहां पर मिलेगा, और तो 60 डिग्री पर ही मिलेगा, इसके सिवाय बात नहीं करेगा. यहां भी कौन सा मिलेगा, इंटर ही मिलेगा, और जिनमें इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा में होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तो वेपराइजेशन कम होगा. इसको आप यूं समझ सकते हैं, मैं शायद ऑपोजिट बोल गया हूं, दोबारा सुन लेना, जिनमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो उनका वेपराइजेशन ज्यादा होगा. इसको आप यूं भी देख सकते हैं, जैसे कि सर ने बताया था ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की मैं यहां पे बात करता हूं, तो ये अपना हो गया ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, क्यों सर? बिल्कुल सर. वैसे ही पैरा की बात करें अपन,
तो ये अपना हो गया पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्यों सर? यस सर। अभी यहां पे क्या होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो यहां एच बॉन्डिंग आ जाएगी, तो एच बॉन्डिंग से एक क्लेटिंग रिंग बन गई, ठीक है। और इसमें मेंबर आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेंबर आ गए, तो यहां पर स्ट्रेन आ जाएगा, और स्ट्रेन आ जाएगा इस वजह से यहां पर क्या आ जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब भी बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो वेपराइजेशन उसका क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। दूसरी चीज पैरा वाले की बात करें अपने, तो पैरा में असर ने बताया कि कैसी होगी, इंटर होगी, इसका मतलब दो मॉलिक्यूल्स या मोर देन टू मॉलिक्यूल्स के बीच ये पैकिंग होने वाली है, तो ये आपका इधर नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा और ये इधर आपका OH, तो यहां पे H बॉन्डिंग होगी, तो यहां पे देखो कई मॉलिक्यूल्स आगे ऐसे आगे चलता जाएगा, तो ये आपस में पैक हो गए, एसोसिएशन हो गया, तो सर मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा अप्रोच करने वाला है, इस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट हाई होने का मतलब है वेपराइजेशन इनका कम, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों सर? बिल्कुल सर, ये सर बिल्कुल बच्चों को कंफ्यूज करता है ये सर वाली बात, एकदम सही है, ए है वो एक में है और बाकी अनेक में, अनेक में है, बिल्कुल सर, काफी ट्रिक्स है सर आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये सही है, ये तो फाल्स हो गया था सर, ये सही है, और ये भी नाइट्रोफिनोल पेरानाइट्रोफिनोल तुमने आसानी से वाचपी, बिल्कुल ये भी राइट स्टेटमेंट है, बी सी एंड डी, बिल्कुल सर अपना आंसर सेकंड सेकंड नेक्स्ट चले सर। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हाइब्रिडेशन ऑफ सेंट्रल एटम अंडरलाइन चेंज, अच्छा क्वेश्चन है, बताएं सर। यहां पे आओ देखो रिएक्शन करवाओ, सबसे पहले तो अपनी ट्रिक लगाओ, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2, अब आगे चलो ये BH3 है, H माइनस लेगा, तो इसके पास वेकेंट 2p पड़ा है, तो ये कोऑर्डिनेट जैसे कि सर ने क्या कहा था, अगर एक के पास लोन पेयर है दूसरे के पास वेकेंट है, एक का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो हाइड्राइड के लिए हमेशा डुप्लेट देखा जाता है, तो ऑक्टेट के बराबर ही है, मतलब इसका कंप्लीट मान लो, तो जब एक का ऑक्टेट कंप्लीट और एक के में 6 इलेक्ट्रॉन हो, तो वहां पर अगर वेकेंट ऑर्बिटल है तो अपना क्या बन जाता है सर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो यहां पे बन जाएगा BH4-। अब अपनी ट्रिक लगा लो, 3, 4, 7, 1, 8 डिवाइड बाई 2, 4 हाइब्रिडाइजेशन के आ गया sp3 और इसका कितना था sp2, तो यहाँ पे सर चेंज ही पूछ रहे, तो इसमें चेंज हो गई, लेकिन जैसे कि सर ने कहा आजकल ऑप्शन सीधा सा फंडा बताऊं बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है किसमें, लेविस एसिड एंड लेविस बेस में, बिल्कुल सर, तो ये याद रखना हमेशा, जब भी दो के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो कभी भी लेविस बेस का हाइब्रिडेशन चेंज नहीं होगा, लेविस एसिड का हमेशा हाइब्रिडेशन चेंज हो जाएगा, बिल्कुल। और ये अगर दोनों में हाइब्रिडेशन है तो, जैसे अब यहां पर हाइड्राइड है इसमें हाइब्रिडेशन है ही नहीं, तो इसका हाइब्रिडेशन चेंज क्या होगा, है ना, परंतु ये लेविस एसिड है तो इसका हाइब्रिडेशन चेंज हो गया। नेक्स्ट बात कर रहे हैं तो इसमें बता दे सर, वो सर आप वाले से एक चीज याद आ गई, अपने जेई का एक सवाल था अपना था BF3 और NH3 आगे वाला आपका, अच्छा हाँ दे भी दिया, बिल्कुल बिल्कुल सर, तो इसको पहले देख लेते हैं। तो सर ने क्या कहा कि देखो लोन पेयर है ये लेविस बेस है और इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो क्या होता है sp3, ये आपका लेविस एसिड है, इसके पास वेकेंट 2p पड़ा है ना, क्लियर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है sp2, तो वेकेंट है यहां देने वाला है यहां लेने वाला है, तो इनके बीच बन जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये हो जाएगा NH3 BF3, ये यहां पे बन चुका है, जैसे ये बनेगा 3 सिग्मा और ये 4 सिग्मा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया sp3, जैसे कि सर ने कहा सिर्फ लेविस एसिड का हाइब्रिडाइजेशन बदलेगा, इसका मेजर कर लो sp3 रहेगा 3 सिग्मा और लोन पेयर दे चुका है कोऑर्डिनेट बना चुका है, तो इसको भी काउंट कर लो 4 बॉन्ड हो गए, क्यों सर, बिल्कुल, तो यहां पे भी चेंज हो जाएगा। इसकी अपन बात करें तो इसको अपन यू कर सकते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई लिख लो आप, अगर कंफ्यूजन हो रहे हो तो ये लो यू भी लिख सकते हैं अपन इसको, ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 है, इसके साथ OH- जोड़ दो तो ये बन जाएगा BOH4-, और जैसा कि मैंने कहा था अगर OH जुड़े हुए हैं तो उनको काउंट कर सकते हो, तो 3, 4, 7 + 8 डिवाइड बाई 2, 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया sp3, तो ये sp2 से ये बन जाएगा आगे जाके sp3, क्यों सर, तो यहां पे भी चेंज हो गया। यहां पे बात करें इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, ट्रिक से निकाल लो, जैसे ये जोड़ोगे तो ये इसमें ऐड होकर के रिएक्शन हो जाएगी HSO4-, यहां पे भी इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। यहां पर सर बताया कि आंसर कौन सा आ गया ए बी एंड सी, ऐसा आंसर किसमें है, फर्स्ट में आ गया आपके,
यहाँ थोड़ी सी चीज मैं बताता हूँ आपको, पूरे यहाँ पर क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। पहले मैं बता देता हूँ, मैं मिटा देता हूँ सर, ये लो एक मिनट छोड़ना सर। देखो पहले भी मैंने बताया था H माइनस और H प्लस, बिल्कुल सर। देखो अपन बताते हैं इनमें नए क्वेश्चन बन रहे हैं, ये है हाइड्राइड का अटैक, बिल्कुल सर। और इसकी पहले बात कर चुके हैं, इसको अटैक को क्या बोलते हैं, प्रोटोनेशन, प्रोटोनीकरण, बिल्कुल सर। जब भी प्रोटोनीकरण का अटैक होगा, बिल्कुल सर, तो सेंट्रल एटम का जो जिस पर अटैक कर रहा है उसका हाइब्रिडेशन चेंज नहीं होगा। ये नई चीज आ गई बिल्कुल, मतलब आपको मेजर भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे अमोनिया पर मैंने प्रोटोनेशन कराया तो इसमें क्या बन गया, NH4 प्लस बन गया, यहाँ हाइब्रिडेशन चेंज नहीं होगा बेटा, sp3 से sp3। जैसे मैंने H2O का प्रोटोनेशन कराया, यहाँ क्या बन गया, HCO प्लस बन गया, हाइब्रिडेशन चेंज नहीं हुआ, sp3 एंड sp3। बिल्कुल, मतलब जहां आपका प्रोटोनेशन हो रहा है, प्रोटोनेशन कहां होगा, जहां सामने अपने को क्या मिलेगा, लेविस बेस मिलेगा। वही बात अपनी वापस आ गई, लेविस बेस का क्या नहीं हो रहा, हाइब्रिडेशन चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ लेविस एसिड का होगा। मैं बोल रहा हूँ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन सा, सिग्मा टाइप का बोल रहा हूँ, ये याद रखना, सिग्मा टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद में बात करूं कि हाइड्राइड अटैक कराना है अपने को, हाइड्राइड अटैक करेगा तो सेंट्रल एटम का क्या हो जाएगा, जिस पर हाइड्राइड अटैक हो रहा है उसका हाइब्रिडेशन चेंज होगा ही होगा, ये कंसेप्ट है भाई। जिसका सेंट्रल एटम पर अगर हाइड्राइड का अटैक हो रहा है तो हाइब्रिडेशन चेंज होगा ही होगा। जैसे अभी आपने कराया BH3 का के साथ रिएक्शन, किसकी कराई मैंने, H- की कराई, तो क्या बन गया, BH4- बन गया। अगर मैं Al H3 के साथ रिएक्शन किसकी कराता हूं, H- की कराता हूं, तो क्या बन जाएगा, AlH4- बन जाएगा। यहां भी हाइब्रिडेशन चेंज हो रहा है और यहां भी हाइब्रिडेशन चेंज हो रहा है, तो कंडीशन वही आ गई कि लेविस एसिड लेविस बेस में रिएक्शन होती है। कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, एक कोऑर्डिनेट सिग्मा बनना चाहिए, तब लेविस एसिड का हाइब्रिडेशन चेंज हो जाता है, जबकि लेविस बेस का हाइब्रिडेशन चेंज नहीं होता। बस एक चीज पर आपको ध्यान रखना है, कहां पर, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आ जाए, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। जैसे अपन ने बात की B2S6, B2S6 के लिए बात करेंगे तो यहां पर पहले से कौन सा हाइब्रिडेशन अपने पास, sp3 हाइब्रिडेशन है, इस पर H- का अटैक कराएंगे तो अपने पास क्या बनेगा, BH4- बनेगा, यहां भी क्या रहेगा, sp3 ही हाइब्रिडेशन है। इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि जहां पर ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड आएगा वहां हाइब्रिडाइजेशन ऑलरेडी चेंज हो चुका था, तो अब वहां पे हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगा, चाहिए अपने यहां पे H- का अटैक, वहां पर वैकेंट ऑर्बिटल ने पहले ही हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट अपना रोल ले लिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये बिल्कुल अच्छी चीज आपने यहां पे बताई। तो जैसा कि ट्रिक आपको मिलते जा रहे हैं, बस आपको चीजों का ध्यान रखना है थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले सर। बिल्कुल सर, मैच दी कॉलम, कॉलम मैच करने हैं सर, काफी अच्छा क्वेश्चन है। NH4Cl, NH4Cl को आप स्ट्रक्चर बना के देख लो, NH4 प्लस Cl माइनस, अपोजिट आयन है सर, तो आयनिक बॉन्ड आ गया एक तो अपना, तो A के पास आ गया सर R। दूसरा इसकी स्ट्रक्चर बना के देखो, H H H और ये जो आपका H प्लस है, ये अपना लोन पेयर देखे कोऑर्डिनेट, तो एक तो कोवेलेंट हो गया सर, एक कोऑर्डिनेट हो गया, तो क्यों S आ गया, क्यों सर। बिल्कुल सर, अब B की बात कर लेते हैं, B के अंदर CuSO4.5H2O, तो यहां पे कॉपर प्लस टू में, कॉपर प्लस टू में होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर फोर, और कोऑर्डिनेशन हमेशा न्यूट्रल मॉलिक्यूल से बैलेंस होती है, और अगर आवश्यक नंबर में न्यूट्रल नहीं है तो आपका A9 रोल लेगा। जो स्क्वायर ब्रैकेट में आते हैं उसको समन्वय मंडल, मतलब कि अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसके बाहर अपना जो काउंटर आयन है उसको आयनाइजेशन स्फीयर, और इंटरस्टेशियल स्फीयर अंतराकाश मंडल में सिर्फ और सिर्फ अपना वाटर का मॉलिक्यूल आ सकता है सर, क्यों, और वो भी तब आएगा जब आयनाइजेशन स्फीयर होगा, आयन होंगे, नहीं तो नहीं होगा। तो यहां पर देखिए सर, यह हमेशा एच बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो एक तो अपन यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हैं सर, डी बी में एक तो हो गया एच बॉन्ड, इसके अलावा एसओ फोर है तो यहां पे कोवेलेंट भी है, तो एक हो गया अपना कोवेलेंट। एक अपन सर ये कह सकते हैं कि यहां पे लिगेंड तो हमेशा सेंटर के साथ कोऑर्डिनेट से आएगा, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, और एक देखें कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर, ये हमेशा आयनिक बॉन्ड से जुड़ते हैं, इसका मतलब यहां पर सारे ही बॉन्ड आ जाएंगे। फिर बात करते हैं अपन सी में, बात करें सी की, एच एन आइसो कंडीशन थी, यह आ जाएगा, इस कंडीशन में हमेशा कोवेलेंट है एक कोऑर्डिनेट है। एक चीज सर ने बताई थी आपको, यहां पे ये कोऑर्डिनेट कौन सा है,
पाई टाइप कोऑर्डिनेट। अगर दो एटम के बीच एक ही बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट है तो ही सिग्मा है, अगर दो के बीच मल्टीपल बॉन्ड आ गया और उनमें कोऑर्डिनेट मिल गया तो वो पाई हो जाएगा। क्यों सर? तो यहां पे दो बॉन्ड हो गए अपना कौन से सी में, एक तो हो गया कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्यू एस हो गया सर। अब आ गया अपना लास्ट डी लिक्विड H2O2, तो ये OH आ गया वहां, ये तो समझ लो हाइड्रोजन बॉन्ड तो हो ही गया। फिर दूसरा यहां पे कौन सा आ गया सर? कोवेलेंट बॉन्ड आ गया, तो दो ही बॉन्ड अपन यहां पे मान सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब कौन है? पी एंड कोवेलेंट एस एस। तो इसमें देख लेते हैं सर, पी क्यू एस आर क्यू एस पी क्यू आर एस क्यू एस और पी एस, बिल्कुल सेकेंड आंसर हो जाएगा सर। बिल्कुल सर। नेक्स्ट चले सर, नेक्स्ट ये आप बताइए सर। ओनली आयोडाइड फॉर्म हेप्टा फ्लोराइड आई एफ बट क्लोरीन एंड ब्रोमीन गिव ओनली पेंटा फ्लोराइड द रीजन फॉर दिस इज। बेटा ऐसा क्वेश्चन बनता है आपके पास, ये बनता है वो नहीं बनता, यहाँ कई फैक्टर काम करते हैं, परंतु जो लेटरल एटम के लिए अगर बात कर रहे हैं तो लेटरल एटम की जैसे जैसे साइज बढ़ती जाएगी और बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्टिव होता जाएगा। इसीलिए क्या होता है आयोडीन खुद सेंट्रल एटम कैसा है बड़ा है और फ्लोरीन कैसे हैं छोटे छोटे हैं, तो आयोडीन पर सात फ्लोरीन तो रुक सकते हैं, परंतु क्लोरीन आयोडीन के कंपेयर में बहुत छोटा है, यहाँ पर सात फ्लोरीन नहीं रख पाएंगे। ऐसे ही ब्रोमीन भी सात फ्लोरीन नहीं रख पाते, किसके कारण? स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण। तो ऐसा देख सकते हैं अपन, इसका मतलब सर आप ये कह रहे हो कि अगर एन की नंबर बढ़ानी है तो ये तो बड़ा होना चाहिए और ये छोटा होना चाहिए, तो बिल्कुल सर मेरे ये बात आपके समझ में। ऑप्शन देखें, बड़े आकार का आयोडीन परमाणु छोटे आकार के फ्लोरीन परमाणु को अधिक संख्या में बांधे रख सकता है, परंतु क्लोरीन ब्रोमीन नहीं। द लार्ज आयोडीन एटम कैन पैक मोर नंबर ऑफ स्मॉलर फ्लोरीन एटम अराउंड इट बट सीएल एंड ब्रोमीन कैन नॉट। आंसर आ गया अपना थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर। Decreasing order of thermal stability of carbonate of alkali earth metals MgCO3, CaCO3, BaCO3 और SrCO3। इनसे सर अपने periodic table में बात की थी अपन। बिल्कुल सर। आपको कहा था कि जितने भी कंपाउंड है उनकी thermal stability बनानी है, तो दो सीरीज बांट लो, सीरीज फर्स्ट सीरीज सेकंड। ये सीरीज फर्स्ट वाले हो गए, जब भी पॉलीएटॉमिक आयन प्रेजेंट हो कोई से ही हो जाए, तो अपन ने क्या कहा था कि उनकी थर्मल स्टेबिलिटी फाई के इनवर्सली होगी, और फाई क्या होगा? चार्ज अपॉन साइज, मतलब कि थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज बढ़ेगी तो थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, तो अपना आंसर सर हो जाएगा मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम, थर्ड हो जाएगा सर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, हां सर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो डायमराइजेशन, कौन सा द्विलयीकरण दर्शाता है? बेटा देखो इसका ऑक्टेट अभी इनकंप्लीट है, तो ये डाइमर की फॉर्मेशन में रह जाता है, किसमें? Al2 CH3 का होल सिक्स में रह जाए, ये डाइमर फॉर्मेशन करता है। ऑक्टेट तो इसका भी इनकम्प्लीट है, पर ये डाइमर बनाना तो चाहता है पर बना नहीं पाता, क्यों? बोरॉन का साइज कैसे है? छोटा है, और क्लोरीन कैसे हैं? इसके ऊपर बड़े बड़े बड़े, ये इसके ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस त्रिविम बाधा उत्पन्न कर देते हैं, जिसके कारण यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बन पाता, तो ये डाइमर फॉर्मेशन नहीं कर पाता। यहाँ पर बात करें, ये स्टेबल कंपाउंड PCl5 है जो स्टेबल है, ये भी डाइमर फॉर्मेशन इज सुपर ऑक्टेट है सर। इसमें बात करें ICl3 क्या करता है, ये डायमर फॉर्मेशन करता है, किस फॉर्म में? I2Cl6। बिल्कुल सर, स्ट्रक्चर बताना सर। सर इसकी इंपॉर्टेंट चीज ये, किससे बना हुआ है? अपने पास ICl3 है, ये किससे बना हुआ है? I2Cl6 से बना हुआ है। इसमें बात करें हाइब्रिडेशन कौन सा है? sp3d है। ये सर, कैसा है? प्लेनर, प्लेनर क्योंकि टी शेप है ये, और ये कैसा पोलर है साथ में, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये पोलर है। बिल्कुल, ये डाइमर बनाने के बाद में क्या बनाने के बाद है? डाइमर बनाने के बाद में आई सी एल सी एल सी एल आई सी एल सी एल एंड सी एल, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा यहां पर, ये लोन पेयर है, यहां से यहां तक के बॉन्ड को मैं क्या बोलता हूं? थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या बोलता हूं? थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसमें हाइब्रिडेशन कौन सा आ गया आपको, ये याद रखना आपको, sp3d2 आ गया। कौन सा आ गया? sp3d2। ये कैसा है? ये अभी भी प्लेनर है, क्योंकि ये कैसे बना हुआ है? यहां cl यहां cl, और ये ब्रिज बॉन्ड वाला cl है यहां पर, ये ब्रिज बॉन्ड वाला ऊपर लोन पेयर है, नीचे लोन पेयर है। बिल्कुल सर, तो ये कैसा आ जाएगा? एकदम प्लेनर आ जाएगा, और साथ में ये नॉन पोलर हो गया,
क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल ये कर देंगे, ऐसे कैंसिल हो जाएंगे सारे के सारे, एक बैलेंस सिमेट्रिकली शेप हो गई सर। तो ये कैसा हो गया, प्लेनर हो गया। तो डायमर अपने कौन कौन बना रहा है, ये बना रहा है और फर्स्ट बना रहा है, तो आंसर आ जाएगा अपने पास ए एंड डी। एक इनमें हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा सा याद रख लेना, कई बार पूछ लेता है इसमें। डायमर बनेगा तो सेंटर में कार्बन तो आएगा ही आएगा, तो जब भी आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो sp3 बोल देना, क्यों सर? बिल्कुल सर, ये याद रखने वाली चीज है। तो अपना आंसर हो जाएगा सर, थर्ड ऑप्शन। बिल्कुल सर, नेक्स्ट चले। हाँ जी सर, नेक्स्ट कीजिए। सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कदम का चयन कीजिए। P4O10 एंड P4O6 इन्वॉल्व sp3 हाइब्रिड फॉस्फोरस एटम, इनकी स्ट्रक्चर बना लें सर। बनाए स्ट्रक्चर इनकी फटाक से, जो अपना दोनों की बना देते हैं सर, P4O10 और P4O6। फॉस्फोरस ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, ये यहाँ पे ब्रिज हो गई और ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन। थोड़ी हेल्प आप, मैंने भी कर दी आपकी। हाँ बिल्कुल, इनमें एक चीज का ध्यान रखना, इसके पास लोन पेयर होंगे और इसके पास डबल बॉन्ड है, तो आपको एक तो इसमें पूछ सकता है क्या कि कितने ब्रिज ऑक्सीजन होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 और वही 6 ब्रिज ऑक्सीजन इसमें होंगे, 6 पीओपी बॉन्ड होंगे। हाँ दोनों में 6 पीओपी, फिर अपने होंगे 4 पी डबल बॉन्ड, उसमें हो जाएंगे 0। हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 होगा और यहां पे भी sp3, वहां लोन पेयर काउंट हो जाएगा। तो इसमें जनरली यही क्वेश्चन पूछता है। एक बार ये पूछा शॉर्ट बॉन्ड कितने, तो शॉर्ट 4 है और लॉन्ग कितने, जितने ये लॉन्ग हो गए, कितने 6 है, तो 6 इंटू कितने हो गए 12 है, पीओ लॉन्ग हो गए। क्यों सर, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या पूछ रहे हैं? बिल्कुल सर, तो देखिए सर, P4O10 एंड P4O6 हाइब्रिड, बिल्कुल सर दोनों में sp3 था। आगे कह रहे हैं देयर आर 6 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट, बिल्कुल सर अपन ने बात कर ली, दोनों में 6 है। फिर कह रहे हैं फॉस्फोरस, ऑल ऑक्सीजन ऑफ फॉस्फोरस हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेज ऑफ पी एटम, ऑक्सीडेशन स्टेज सेम नहीं होती, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो सकता है, या प्लस 3 है या प्लस 5 है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया अपना, थर्ड हो गया। ऑल ऑक्सीजन की बात कर रहा है, मतलब चाहे H3PO2 हो, H3PO3 हो, तो ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो हमेशा ऑक्सीजन में ये याद रखो कि हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है, ऑक्सीडेशन स्टेज चेंज होता है। तो ये सर फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। लास्ट देख लेते हैं सर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका भी sp3 है, इसका भी sp3 है, इसका भी sp3 है, और सबसे बड़ी बात है सर, इनके पास लोन पेयर नहीं है, सारे सिग्मा है, तो ये तो आइसो स्ट्रक्चरल हो गए सर। बिल्कुल, तो रॉन्ग स्टेटमेंट अपना हो गया। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ रिलेटेड प्रॉपर्टी, निम्न में से कौन सा संबंधित गुण के लिए गलत क्रम को प्रदर्शित करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बैकबॉन्डिंग पर आधारित है बेटा सर, कि बैकबॉन्डिंग BF3 में तो क्या जाएगा, बैकबॉन्डिंग हो जाएगी, और अच्छे वाले बैकबॉन्डिंग होगी कौन सी, 2p pi बैकबॉन्डिंग होगी, जिसके कारण क्या होगा, बोरोन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोरोन पर बढ़ जाएगी, तो उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो इसका एसिडिक नेचर कम हो जाएगा, किसके कंपेयर में, Bi3 के कंपेयर में। क्यों, क्योंकि Bi3 में अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव कर रहे हैं, 5p से 2p में मूव कर रहे हैं, तो ये मूव नहीं होगा, ये मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, तो यहाँ एसिडिक नेचर बिल्कुल राइट है अपने पास। जनरली एसिडिक नेचर क्या होती है, लेविस एसिड साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है, तो अपन जल्दी में ये कर लेते हैं, लेकिन जैसे कि सर ने बताया लेविस एसिड की स्ट्रेंथ बैक बॉन्डिंग के इनवर्सली होगी और बैक बॉन्डिंग साइज के इनवर्सली जाएगा, क्यों सर? तो बिल्कुल सर ये बात है, बिल्कुल सहमत है आपकी इस चीज से। सेकंड बताइए सर, सेकंड बात करें, नो सर मैं, अच्छा सेकंड अच्छा पॉइंट है, ये कार्बिन है, ये डाइक्लोरोकार्बिन है, बिल्कुल सर ये डाई फ्लोरोकार्बिन है, यहां देखो बेटा बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है, कौन सी बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है, यहां 2p से 2p में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 2p pi 2p pi, जबकि ये इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, पर इलेक्ट्रॉन कहां मूव करेंगे, क्लोरीन से कार्बन की ओर मूव करेंगे, मतलब 3p में पड़े हैं और 2p में जाएंगे, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये अच्छा लेविस एसिड बनेगा, जबकि यहां बैकबॉन्डिंग है ही नहीं,
तो इन दोनों में बैकबॉन्डिंग तो है, परंतु एनर्जी गैप किसमें ज्यादा है, इसमें तो इसकी स्टेबिलिटी कम है, किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में। बिल्कुल अच्छा, कौन हो गया CF2, फिर CCl2 और फिर कौन हो गया CH2 हो गया। ये कार्बन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा। ये लोन पेयर जो आप देख रहे हो वो S के अंदर है, क्योंकि इनका हाइब्रिडाइजेशन है sp2 है, तो एक पी इनके पास खाली पड़ा है जिसमें सर ने ये बैक बॉन्डिंग की। क्यों सर? कुछ नेक्स्ट सर, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बात है एसिडिक स्ट्रेंथ। इस एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए बात करें तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए बात करें तो देखो बेटा, नॉर्मली ये एसिडिक ज्यादा होना चाहिए क्योंकि इसके साथ कौन जुड़े हैं, फ्लोरीन, पर यहां भी किसका रोल है, सी एच एफ थ्री है, ये ब्रेक होगा किसमें जाएगा, सी एफ थ्री माइनस प्लस एच प्लस जाएगा, और ये किसमें जाएगा, क्लोरोफॉर्म किसमें टूटता है, सीसीएल थ्री माइनस माइनस प्लस एच प्लस में जाएगा। बेटा जी अपने देखा सीसीएल थ्री है जो बैकबॉन्डिंग के कारण, किसके कारण, बैकबॉन्डिंग के कारण ज्यादा स्टेबल होगा। यहां बैकबॉन्डिंग आएगी कौन सी, टू पी से थ्री डी पाई, टू पी पाई थ्री डी पाई बैकबॉन्डिंग आएगी, जिसके कारण ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है तो ये ज्यादा बनेगा किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में ज्यादा बनेगा, इसके कंपेयर में ये ज्यादा बना तो इसके साथ और कौन बनेगा, H+ बनेगा, और जितने ज्यादा H+ बनेगा उतनी एसिडिक नेचर ज्यादा होगी, क्योंकि ये क्या बता रहा है, ऑपोजिट बता रहा है, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, मतलब इसकी प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर ये स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है। अब कहीं के सवाल उठेगा कि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग नहीं हुई तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन CF2 में सर ने बताया था, तो इसके पास वेकेंट था क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन था, यहाँ पे sp3 है कार्बन के पास वेकेंट नहीं है। नेक्स्ट सर बताइए, ये सर आप डिस्कस भी कर चुके हैं, बिल्कुल ये बता चुके हैं अपन, बेसिक करेक्टिंग के बारे में बात कर चुके हैं, दोबारा नहीं करेंगे अभी। बिल्कुल सर, इसमें बैकबॉन्डिंग आ जाएगी, इसके लोन पेयर चले जाएंगे, जबकि इसमें बैकबॉन्डिंग नहीं आएंगे, इसको लोन पेयर यही रहेंगे, तो अच्छा बेस, क्योंकि दोनों के पास लोन पेयर है लेकिन इसके पास वेकेंट नहीं है, इसके पास वेकेंट 3D पड़ा है, ये लोन पेयर खत्म हो गया, इसका मतलब बेसिक नेचर इसकी कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो सर इसके अंदर रॉन्ग स्टेटमेंट अपना कौन सा हो गया, थर्ड हो गया, आपको NH3 में कैलकुलेट कर सकते हो sp3, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आ गई यहाँ पे, तो इसके अंदर आप जानते हैं तो जो प्लेटिनम है प्लस टू में है, प्लस टू का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर फोर है, तो या तो हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 या आपका dsp2, तो ज्यादा बात यहां पे करेंगे नहीं क्योंकि ये बातें अपन कोऑर्डिनेशन में करने वाले हैं, थोड़ा इसको फास्टली अपन देख लेते हैं इन चीजों को। प्लेटिनम प्लस टू की बात करें तो इसका कॉन्फिगरेशन लिख लें अपन, जीनोन 4F14 5D8 और 6S0। अब हमेशा ध्यान रखना ये वीक फील्ड लिगेंड है लेकिन प्लेटिनम के साथ स्ट्रॉन्ग की तरह एक्टिंग करता है। 4D और 5D सीरीज जब भी आएंगी तो उनके साथ कोई भी आए सभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करेंगे, चाहे वीक फील्ड आए चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड आए, सभी के सभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। तो ये अपना 5D हो गया, ये 6S हो गया और ये 6P हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको क्या एक ही तो डी वेकेंट चाहिए तो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह रिएक्ट कर रहा है तो ये इसकी पेयरिंग करवा देगा, तो ये D और ये चार वेकेंट चाहिए तो डी एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो जाएगा। क्यों सर? बिल्कुल, PCl5 में बात करें तो sp3 d और इसमें बात करें तो sp2 ऑप्शन देखिए अपने को ये सेकंड ऑप्शन मिल रहा है। बिल्कुल सर, आगे अपना सेकंड। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं सर, विच बॉन्ड एंगल क्यू वुड रिजल्ट इन द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट फॉर द ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल xy2 शो। बेटा इसमें एक याद रखें, जब भी दो वेक्टर एक साइड में होंगे मैक्सिमम ऐड होते हैं और जैसे जैसे बॉन्ड एंगल इंक्रीज होता जाएगा वो एक दूसरे से कैंसिल करने की टेंडेंसी, मतलब 180 पर होंगे तो दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और दोनों 0 डिग्री पर होंगे तो दोनों में ऐड हो जाएगा, तो जैसे जैसे बॉन्ड एंगल बढ़ता जाएगा डायपोल मूवमेंट डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, या आप इसको यूं देख सकते हैं, एक की वजह से म्यू वन हो गया, दूसरे का म्यू टू हो गया, रिजल्टेंट इधर आ गया म्यू आर, तो वही दो वेक्टर है एडिशन लगा दो, फॉर्मूला आप यहाँ पे म्यू आर इज गस्ट क्या आ जाएगा, म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू कोस थीटा। तो यहाँ पे देखो कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है वन और कोस 90 की जीरो, मतलब कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे कोस थीटा कम होगा,
मतलब जुड़ने वाली वैल्यू कम होगी, ये कम होने का मतलब म्यू आर कम होगा। तो एंगल बढ़ने पर हमेशा डायपोल मोमेंट कम होता है, क्यों सर? तो यहाँ पे 180 तक सबसे कम एंगल कौन सा है? 90 का। इसका मतलब इसका अधिकतम सबसे ज्यादा हो गया, और मिनिमम पूछे तो आंसर आ जाएगा 180, जीरो आ जाएगा, क्यों सर? बिल्कुल सर। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्राउन गैस इन्वॉल्व ऑन हीटिंग फॉलोइंग कंपाउंड में से कौन से यौगिक को गर्म करने पर भूरे रंग की गैस, भूरे रंग की गैस आपको बताई थी कौन होती है? NO2 मेनली बात है। तो जैसे कि KNO3 है, फर्स्ट एक है, फर्स्ट वाले तो थर्मली स्टेबल होते हैं, तो यहां से अगर टूटेगा तो नाइट्रेट आपका नाइट्राइट में चला जाएगा और कलरलेस गैस O2 निकलने वाली है, बाकी आगे डिकम्पोज नहीं हो रहा। सोडियम पोटेशियम रूबीडियम सीजियम ये चारों के नाइट्रेट टूट कर क्या नहीं देते, NO2 गैस नहीं देंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे पर NO2 गैस नहीं देंगे। लेकिन लिथियम हमेशा पड़ोसी से बना के रखता है, पहले भी बताया था। यहाँ पे अपन बात करें, अगर इसको हीट देते हैं तो डाइनाइट्रोजन निकलता है, H2O निकलता है, CR2O3 बन जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर N2 निकलने वाली है जो कि एक कलरलेस गैस है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट में बात करें तो इसको गर्म करोगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 देती है, ये भी क्या है? कलरलेस गैस है। ये मैंने कहा था ये तो धोखा देगा, पड़ोसी से बना के रखेगा, इसको हीट करोगे तो ऑक्साइड बनेगा, NO2 बनेगी और O2 गैस भी बनेगी, कलरलेस भी देगा और रेडिश ब्राउन गैस भी दे देगा। तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा सर? थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले सर। बिल्कुल सर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी इंडिकेट अगेंस्ट देम, दर्शाए गए संबंधित गुणों को सही क्रम नहीं है। बेटा ये अपन क्वेश्चन कर चुके हैं, बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्स होती है बॉन्ड लेंथ, इसका आपने मेजर किया था, सर ने बताया था 1.75, इसका 1.67 और इसका होता है अपना 1.3, क्यों सर? बिल्कुल सर। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए। तो ये तो सर फॉल्स हो गया, स्टेटमेंट ही रॉन्ग आ गया। फिर कह रहा है पोलराइजिंग पावर है, तो यहाँ पे देखो जैसे जैसे केटायन पे चार्ज बढ़ेगा तो उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, तो ये अपना करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। यहाँ पे सर अपने को देखना क्या है? नॉट करेक्ट। तो आंसर तो अपना सर वैसे फर्स्ट ही हो गया। बिल्कुल सर। नेक्स्ट ये और देख लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है सर मेल्टिंग पॉइंट का। अपन यहां पे देख सकते हैं लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, फिर उसके बाद में पोटेशियम क्लोराइड, वैसे ही आपका रूबीडियम क्लोराइड ले लो या सीजियम क्लोराइड यहां पे ले सकते हैं। तो ये तो आपका कैसा होता है, स्मॉल साइज की वजह से पहचान रूल लग जाएगा, इस पे कोवेलेंट हो जाएगा और कोवेलेंट का मेल्टिंग पॉइंट सबसे पीछे चला जाएगा। बाकी सारे कैसे हैं? आयनिक है, और आयनिक का कैसे होता है? लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो जो केटायन स्मॉल साइज का है वहां लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट भी उसका ज्यादा है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा तो हो जाएगा सर NaCl का, बिल्कुल राइट, फिर KCl का, फिर लिथियम क्लोराइड, राइट हो गया सर। कार्बोनेट के लिए अभी सर ने बताया था आपको थर्मल स्टेबिलिटी, साइज बढ़ रही है तो थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो अपना सर यहाँ आंसर आ जाएगा फर्स्ट। आज को आपके लिए काफी थ्योरी दे दी, उसमें 30 क्वेश्चन कराए, अच्छे क्वेश्चन थे, सभी को एक बार रिवाइज करें और उनको थ्योरी जो बताई उनके बारे में बात करें, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी दयाल सर बताते हैं आपको। बिल्कुल, अपन ने इसके अंदर देखो नई चीज क्या सीखी, हाइब्रिडाइजेशन की दो ट्रिक देखी आपको, दोनों ट्रिक में जो अच्छी लगे आप वो रखो। बॉन्ड ऑर्डर की आपको खास तौर से, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर में MOT में आपको पढ़ना ही नहीं है, सीधे सीधे आंसर निकालना सर ने आपको सिखाया। वैसे कुछ जैसे MOT से रिलेटेड क्वेश्चन अभी बाकी रह गए, कुछ इनसे रिलेटेड हो गए तो अपन इसके नेक्स्ट पार्ट में अपन डिस्कस करेंगे, क्यों सर? बिल्कुल। ओके, इतना ही, थैंक यू।